हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। दिस इज सिया वर्मा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं जून मंथ के कंप्लीट करंट अफेयर्स का वन टाइम रिवीजन। फाइन, ये जो क्वेश्चंस है ये पार्ट है डेली 20 एमसीक्यू सीरीज का, जो आपको जीके टुडे की एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। सो इस सिंगल वीडियो में हम वन टाइम रिविजन करने वाले हैं। टोटल 200 क्वेश्चन को हम टारगेट करेंगे और जून के कंप्लीट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। फाइन, सो ये जो क्वेश्चंस है डेली आप 10 डिस्कस करते हैं मैम के साथ डेली क्लासेस में, और जो अदर 10 क्वेश्चंस है डेली 20 एमसीक्यू सीरीज जैसे कि यहाँ पर शो है, उसमें से 10 क्वेश्चन तो आप डेली मैम के साथ डिस्कस करते हैं। अदर 10 क्वेश्चंस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एप्लीकेशन को, जिसमें डेली करंट अफेयर्स की सीरीज अवेलेबल है। फाइन, सो स्टार्ट करते हैं हम हमारा सेशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट वन इज, रिसेंटली वेयर वॉज दिस सिक्स्थ मीटिंग ऑफ इंडिया जापान ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑफ ऑन काउंटर टेररिज्म हेल्ड। सो सिक्स्थ मीटिंग की बात हो रही है इंडिया जापान ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म हेल्ड। सो टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए जो मीटिंग हुई है इंडिया और जापान, उसका सिक्स एडिशन हाल ही में कहाँ पर हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। सो आंसर होगा न्यू दिल्ली। नेक्स्ट जो इसका एडिशन होने वाला है सेवेंथ मीटिंग, वो टोक्यो में होगा। सो जो की डिस्कशन पॉइंट थे जो इस मीटिंग में डिस्कस किए गए, उन्हीं में से थे रीजनल टेररिज्म थ्रेट को कंट्रोल करना, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को कंट्रोल करना, और जो टेररिस्ट मिसयूज कर रहे टेक्नोलॉजी को उसको प्रिवेंट करना, ये की डिस्कशन पॉइंट रहे। साथ ही एनहेंस करना है कॉपरेशन दोनों कंट्रीज के बिटवीन, इंडिया और जापान के बिटवीन कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है और मल्टीलेटरल कॉपरेशन को एनहेंस करना है। फाइन, सो इसके लिए सिक्स मीटिंग हुई हाल ही में कहां पर? न्यू दिल्ली। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट वन इज, रिसेंटली विच कंट्री हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट स्पेस एजेंसी एंड प्लान्स टू मेक अ मार्स लैंडिंग बाय 2045। सो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड किस कंट्री का इनिशिएटिव है कि लैंडिंग करेगी वो मार्स पे 2045 तक, और उनकी फर्स्ट स्पेस एजेंसी है और उनका पहला प्लान फॉर मार्स। सो आंसर होगा साउथ कोरिया। सो रिसेंटली साउथ कोरिया ने लॉन्च करी है अपनी खुद की स्पेस एजेंसी जिसका नाम है कासा। कासा स्टैंड्स फॉर कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। फाइन, और इनका एम क्या है कि साउथ कोरिया को लाना है टॉप 5 स्पेस पावर्स पे, और इसके लिए इन्होंने जो मिशन लॉन्च करे है 2045 का टारगेट रहेगा इनका मार्स का, जिसके लिए जो इनका बजट है 100 ट्रिलियन वॉन है। फाइन, डॉलर में 72.6 बिलियन ये इनका बजट रहेगा। इसके साथ ही ये लोग प्लान करने वाले हैं 2032 तक इनका फर्स्ट लूनर मिशन। सो सिंपली यू हैव टू रिमेम्बर कि साउथ कोरिया का रिसेंटली कासा लॉन्च हुआ है और इनका मार्स लैंडिंग 2045 का टारगेट है, और जो बजट है वो 100 ट्रिलियन है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2024। सो ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट की बात हो रही है, इस रिपोर्ट को किसने रिलीज करा है? सो आंसर होगा IFPRI। IFPRI यानी इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो रिसेंटली रिपोर्ट आई है ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में कितना जो पॉइंट्स है की डिस्कशन पॉइंट, उसमें से पहला पॉइंट ये बताता है कि 38% ऑफ इंडियंस है वो कंज्यूम करते हैं अनहेल्दी फूड्स, जबकि 28% पीपल ही जो टोटल 5 रिकमेंडेड फूड ग्रुप है उसको कंज्यूम करते हैं, जबकि जो मेल न्यूट्रिशन की रेट है वो इंडिया में राइज हो चुकी है फ्रॉम 15.4% से 16.6%। 15.4% ये डेटा 2011 का है, 16.6% ये डेटा 2021 का है। सो ये की पॉइंट इस रिपोर्ट में दिखाए गए हैं, ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट जिसको पब्लिश किया है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो रिसेंटली विच कंट्री हैज प्लेज्ड $135 million एड टू मोल्डोवा टू काउंटर रशियन इन्फ्लुएंस। सो रशिया के इन्फ्लुएंस को, प्रभाव को काउंटर करने के लिए किस कंट्री ने हेल्प करी है, एड करा है $135 million का, और किसको? मोल्डोवा को। अब मोल्डोवा ये कौन सी कंट्री है? सो मोल्डोवा
यूरोपियन कंट्री है, फर्स्ट ऑफ ऑल यूरोपियन कंट्री है ये, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री, लैंडलॉक कंट्री है यूक्रेन और रोमानिया के बिटवीन, ये है मोल्डोवा। सो मोल्डोवा को 135 मिलियन डॉलर एड प्रोवाइड कराएगा, कौन प्रोवाइड कराएगा, ऑब्वियसली यूएस, अमेरिका कराने वाला है मोल्डोवा को ये हेल्प। फाइन, इसके साथ ही मोल्डोवा को, ये नाम आपको याद आ जाएगा, इसकी हाईएस्ट पीक है बालनेस्टी, बालनेस्टी इसकी हाईएस्ट पॉइंट है माउंट में, और इसके अलावा एक रिवर है, रिवर प्रूथ, ये मेजर रिवर है यहाँ की। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज्ड द रिपोर्ट टाइटल्ड हुकिंग द नेक्स्ट जनरेशन, हाउ द टोबैको इंडस्ट्री कैप्चर्स यंग कस्टमर्स। सो रिसेंटली रिपोर्ट आई है, नाम है हुकिंग द नेक्स्ट जनरेशन, हाउ द टोबैको इंडस्ट्री कैप्चर्स यंग कस्टमर्स, और ये जो रिपोर्ट है इसे किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया है। सो इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है WHO ने, किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, और कब किया, अभी रिसेंटली हमने सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड नो टोबैको डे, और ये कब सेलिब्रेट हुआ था, 31 मई को। सो 31 मई को ही WHO ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया, जिसमें बताया गया है कि अप्रोक्सीमेट 37 मिलियन चिल्ड्रन जिनकी एज है 13 से 15 ईयर, वो टोबैको यूज करते हैं ग्लोबली। सो टोबैको में जो इन्वॉल्वमेंट है 13 to 15 एज ग्रुप का, वो अप्रोक्सीमेट डेटा सामने आया 37 मिलियन का। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट वन इज मोरनी हिल्स, रिसेंटली सीन इन द न्यूज ड्यू टू फॉरेस्ट फायर, इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सो मोरनी हिल्स की बात की जा रही है, कहाँ पर है ये? सो आंसर होगा हरियाणा में है, हरियाणा में लोकेटेड है मोरनी हिल्स। हरियाणा में भी कहाँ पर? पंचकुला में, पंचकुला में इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, और फॉरेस्ट फायर के कारण अभी रिसेंटली ये न्यूज में रही थी। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो वॉट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द दक्ष प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज? सो दक्ष प्रोजेक्ट है जो रिसेंटली न्यूज में था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सो दक्ष प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टिगेट करना है, इन्वेस्टिगेटिंग एक्सप्लोसिव एस्ट्रोफिजिकल सोर्सेज लाइक गामा रे बर्स्ट, यानी जो गामा रे बर्स्ट है, जैसे विस्फोटक जिसे हम बोलते हैं एक्सप्लोसिव, उनके एस्ट्रोफिजिकल सोर्सेज की इन्वेस्टिगेशन करना, ये इसका क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन टारगेट है। सो रिसेंटली जो दक्ष प्रोजेक्ट है, इन्होंने कंस्ट्रक्ट करे 2 हाईली एनर्जी स्पेस टेलीस्कोप, जो कि टारगेट करेंगे GRBs को, यानी गामा रे बर्स्ट को, और ग्रेविटेशनल वेव सोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक काउंटर पार्ट करेंगे। फाइन, सो इसके लिए रिसेंटली दक्ष प्रोजेक्ट के तहत 2 हाई एनर्जी स्पेस टेलीस्कोप को डेवलप किया जाएगा, और इनकी जो रेंज रहेगी वो 1 किलो इलेक्ट्रो वोल्ट से 1 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट तक इनकी एनर्जी रेंज है, और इनको अर्थ के अपोजिट साइड पे पोजिशन किया जाएगा, ताकि पूरे वास्ट एरिया को कवर किया जा सके GRBs को डिटेक्ट करने के लिए। GRBs स्टैंड्स फॉर गामा रे बर्स्ट। और इसके अलावा जो अदर मिशन रह चुके हैं इंडियन गवर्नमेंट के, उसमें से एस्ट्रोसैट है, फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप है, स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी है, जिनके ऑब्जेक्टिव भी काफी सिमिलर है इससे। फिलहाल दक्ष का आपको ध्यान रखना है, GRBs को कंट्रोल करने के लिए 2 टेलीस्कोप को डेवलप किया जा रहा है, ये उनकी रेंज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। रिसेंटली विच मेडिकल इंस्टीट्यूशन हैज वॉन द 2024 नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन बाय WHO? सो WHO ने रिसेंटली मेडिकल इंस्टीट्यूट को नवाजा है, अवार्ड का नाम है 2024 नेल्सन मंडेला अवार्ड, और किस सेक्टर में? हेल्थ प्रमोशन के सेक्टर में। सो ये मिला है रिसेंटली बैंगलुरु की NIMHANS को, स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। सो मेंटल हेल्थ और न्यूरो साइंस के लिए इंस्टीट्यूट है बैंगलोर में, और रिसीव किया है इन्होंने 2024 का नेल्सन मंडेला अवार्ड। ये जो अवार्ड है इसको इनिशिएट किया गया था 2019 से, और ये ऑनर करता है हेल्थ प्रमोशन के सेक्टर में। और रिसेंटली डॉक्टर मनसुख मांडविया ने, जो कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है, और उनके साथ श्री अपूर्व चंद्र जो कि यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी है, उन्होंने ये अवार्ड दिया है NIMHANS को। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन।
So the next question is, according to the provisional estimate of the National Statistical Organization NSO, what was the growth rate of Indian economy in 2024? So growth rate की बात हो रही है GDP की, इंडियन इकोनॉमी की 2023-24, और किसके अकॉर्डिंग? एनएसओ के अकॉर्डिंग जो प्रोविजनल एस्टिमेट डेटा आया है सामने. सो जो डेटा आया है वो 8.2% का आया है. सो 8.2% से इंडिया की जो जीडीपी है वो ग्रो हुई है फाइनेंशियल ईयर 23-24 में. आरबीआई ने इसके लिए जो एंटिसिपेशन किया था वो 7.6% का किया था, उससे भी ज्यादा की ग्रोथ हुई है 8.2% की. इसके साथ ही एक फैक्ट ध्यान रखना है कि 1960 से 61 से लेकर अब तक 23-24 तक इंडिया की जीडीपी टोटल 9 टाइम 8% से एक्सीड हो चुकी है. टोटल 9 टाइम सिंस 1960-61 द जीडीपी ग्रोथ एक्सीड्स 8%. ठीक है, सो 8% से एक्सीड हुई है टोटल 9 टाइम. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. रिसेंटली विच स्टेट हैज इंट्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग इन द क्लास 7th आईसीटी टेक्स्ट बुक्स? सो किस स्टेट ने एआई लर्निंग इंट्रोड्यूस किया है क्लास 7th की आईसीटी टेक्स्ट बुक में? सो ये जो इनिशिएटिव है ये है केरल की गवर्नमेंट का. सो केरल की गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा है एआई उनके कोर्स में क्लास 7th. फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो द नेक्स्ट इज विच डे इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड मिल्क डे एवरी ईयर? सो वर्ल्ड मिल्क डे की बात हो रही है और हर साल एनुअली इसे किस डे पर ऑब्जर्व किया जाता है? सो द आंसर इज 1st of June. सो 1st of June को एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे को, ताकि एम्फेसाइज किया जा सके डेयरी के रोल ग्लोबल न्यूट्रिशन में. सो ग्लोबल न्यूट्रिशन में डेयरी का जो रोल है उसको एम्फेसाइज करने के लिए एनुअली वर्ल्ड मिल्क डे को सेलिब्रेट किया जाता है 1st of June को, और 2001 में FAO ने इस डे को स्टार्ट किया था. फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इनिशिएट किया था 2001 से, और तब से लेकर हम इस डे को एनुअली सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड मिल्क डे 1st of June. फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो द नेक्स्ट वन इज Hulangapar Gibbon Sanctuary, recently seen in the news, is located in which state? So, sanctuary की बात की जा रही है, नाम है Hulangapar Gibbon Sanctuary. कहाँ पर है ये? So, answer होगा असम में है ये. कहाँ पर है? असम में. So, ये जो Gibbon Sanctuary है ये news में रही क्योंकि recently जो NFR है, NFR stands for North East Frontier Reserve, यहाँ पर एक development project को initiate करने वाला है. development project किसके लिए? इंडिया के लोन एप के लिए. एप यहाँ पर stand करता है वानर के लिए, बंदर के लिए. So, ये जो Gibbon Sanctuary है यहाँ पर है इंडिया के only लोन एप, और उनके लिए इस development project को initiate कर रहा है NFR. generally क्या करेगा ये जो हुलॉक गिबन है इंडिया के लोन एप, रेलवे ट्रैक को इजीली क्रॉस कर सके इसके लिए ब्रिज कैनोपी को डेवलप किया जाएगा, और इसके लिए रिसेंटली फंड को एलोकेट किया है एनएफआर ने. दैट्स व्हाई ये न्यूज में रहा था, ताकि कैनोपी ब्रिजेस को बनाया जा सके और इस प्रकार हेल्प की जा सके इन लोन एप की रेलवे ट्रैक्स को पार करने के लिए. फाइन, दैट्स व्हाई ये न्यूज में रहा था. फाइन, सो ये इनिशिएटिव रहा असम का. Let's move to the next one. So, Pampa Lake, recently seen in the news, is located in which state? So, Pampa Lake की बात की जा रही है, किस state में located है? So, the answer is Karnataka. Karnataka में located है Pampa Lake. So, recently क्या हुआ है? यहाँ पर discovery हुई है. Discovery हुई है किस चीज की? एक rock shelter painting की. Rock shelter painting की discovery हुई है, और estimation लगाई जा रही है कि approximate 2500 ईयर पुरानी पेंटिंग है ये, जो कि मिली है पंपा लेक में, जो कि कहाँ पर है? हम्पी वर्ल्ड हेरिटेज एरिया के इंक्लूडेड एरिया में आता है पंपा लेक. फाइन, और इसी के साथ जो पंपा लेक है वो उन 5 सेक्रेट लेक में से एक है जो हिंदू लोगों काफी ज्यादा मानते हैं. 5 सेक्रेट लेक्स में से जो कि हिंदू मिथोलॉजी में काउंट होती है. फाइन, सो कर्नाटका के कोप्पल डिस्ट्रिक्ट में हम्पी के नियर बाय पंपा लेक में डिस्कवरी हुई है रॉक शेल्टर पेंटिंग की. दैट्स व्हाई ये न्यूज में रहा, रॉक शेल्टर पेंटिंग. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज अ सर्कोफेगस रिसेंटली सीन इन द न्यूज? सो सर्कोफेगस साउंड स्ट्रेंज. सो एक्चुअली क्या है ये? एक डेकोरेटेड कॉपर कंटेनर है
जिसको बताया जा रहा है इजिप्शियन बिलोंगिंग्स। सो रिसेंटली एक रिलीजियस सेंटर के फ्लोर के नीचे ये सेक्रोफेगस के फ्रैगमेंट मिले हैं, जिसको बताया जा रहा है बिलोंगिंग किसकी, रामसेस सेकंड की। और रामसेस सेकंड कौन रहे थे, अ प्रोमिनेंट एंशियंट इजिप्शियन फरो, यानी इजिप्शियन किंग रहे थे रामसेस सेकंड। और उन्हीं के जो बिलोंगिंग्स है वो मिले हैं कहाँ पर, रिलीजियस सेंटर के फ्लोर के नीचे, और जिसको बताया जा रहा है सरकोफेगस। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट वन इज, रिसेंटली इसरो कोलैबोरेटेड विद विच कंपनी फॉर सस्टेनेबल स्पेस एक्सप्लोरेशन थ्रू एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। सो रिसेंटली इसरो ने कोलैबोरेशन किया है किसके साथ किया है, ताकि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काम किया जा सके। सो ये किया है कोलैबोरेशन किसके साथ, विप्रो 3D के साथ किया है। विप्रो 3D के साथ ये कोलैबोरेशन हुआ है, किसका, इसरो का हुआ है। फाइन, सो द नेक्स्ट वन इज, रिसेंटली विच रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड अ वे ऑफ जनरेटिंग नॉन इन्फेक्शियस निपाह वायरस लाइक पार्टिकल्स VLPs इन द लेबोरेटरी। सो रिसेंटली हाल ही में किस शोध संस्थान ने प्रयोगशाला में गैर संक्रामक निपाह वायरस जैसे कण उत्पन्न करने का एक तरीका विकसित किया है, अ वे ऑफ जनरेटिंग नॉन इन्फेक्शियस निपाह वायरस लाइक पार्टिकल। सो किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप करा है इस रिसर्च को, सो आंसर होगा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी। सो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी का इनिशिएटिव है ये कि वो जनरेट करेंगे नॉन इन्फेक्शियस निपाह वायरस लाइक पार्टिकल। और कहाँ पर है ये इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी, थिरुवनंतपुरम केरल। सो थिरुवनंतपुरम केरल के रिसर्च सेंटर ने इस डिस्कवरी को किया है। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। दिनेश कार्तिक हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट। सो रिसेंटली रिटायरमेंट अनाउंस करा है किसने किया है, दिनेश कार्तिक ने। और ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, सो ये रिलेटेड है क्रिकेट से रिलेटेड है। विकेट कीपर बैटर है ये, और इनका जो रिकॉर्ड है वो 172 डिसमिसल्स का है अपने होल करियर में, 172 डिसमिसल्स का एज अ विकेट कीपर। और रिसेंटली इनके लिए फेयरवेल ऑर्गेनाइज कराया था किसने, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु RCB ने IPL के दौरान, दैट्स वाई ये न्यूज में रहे। सो इनका रिटायरमेंट हो चुका है, दिनेश कार्तिक। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 18। रिसेंटली क्लाउडिया शेनबाम हैज बिन इलेक्टेड एज दी फर्स्ट वेमेन प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। सो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, फर्स्ट वेमेन प्रेजिडेंट है जिनका नाम है क्लाउडिया शेनबाम, और ये किस कंट्री की वेमेन प्रेजिडेंट इलेक्ट हुई है, सो आंसर होगा मैक्सिको। सो मैक्सिको की फर्स्ट वेमेन प्रेजिडेंट उनके 200 ईयर्स हिस्ट्री में, और ये बनी है कौन, क्लाउडिया शेनबाम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट वन इज, रिसेंटली वेयर वॉज द शंग्रीला डायलॉग और द एशियन सिक्योरिटी समिट हेल्ड। सो रिसेंटली शंग्रीला डायलॉग और उसका जो अनदर नेम है द एशियन सिक्योरिटी समिट हेल्ड, ये कहाँ पर हुई, समिट हेल्ड। फाइन, सो ये जो समिट है इसे कहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया गया, सो द आंसर इज सिंगापुर। सो सिंगापुर में ऑर्गेनाइज हुई एशियन सिक्योरिटी समिट, और जिसको किसने करवाया ऑर्गेनाइज, सो ऑर्गेनाइज बाय द IISS, स्टैंड फॉर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज। सो जनरली इस समिट का जो एम था वो क्या है, ऑब्जेक्टिव है क्रिएट करना यूटोपियन एनवायरनमेंट फॉर रीजनल सिक्योरिटी सॉल्यूशन। सो रीजनल एक पर्टिकुलर एरिया बेस्ड सिक्योरिटी सॉल्यूशन को एनहेंस करने के लिए यूटोपियन एनवायरनमेंट को क्रिएट करना इस डायलॉग का एम रहा। जनरली इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट करा, और एशिया पैसिफिक सिक्योरिटी चैलेंजेस को इनिशिएट करने के लिए, एड्रेस करने के लिए, और जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं उनके बिटवीन डिस्कशन को फोस्टर करने के लिए, एनजीओस के बिटवीन, ऑफिशियल्स के बिटवीन डिस्कशन को फोस्टर करने के लिए इस डायलॉग को ऑर्गेनाइज करवाया गया IISS के द्वारा। फाइन, सो सिंपली सिंगापुर में हुई एशियन सिक्योरिटी समिट, और 21st इसका एडिशन रहा। सो द नेक्स्ट वन इज, चांगे 6 मिशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री। सो चांगे मिशन अभी रिसेंटली न्यूज में था, किस कंट्री से एसोसिएटेड है ये मिशन। सो ये जो मिशन है ये है चाइना का है। सो रिसेंटली जो चाइना की स्पेस एजेंसी, उन्होंने अनाउंस करा है उनका सक्सेसफुल लैंडिंग कहाँ पे, मून साइड पे। सो मून साइट पे सक्सेसफुल लैंडिंग हुई है, और उनके लिए इनका जो मिशन है वो चांग ए 6 मिशन है जो सक्सेसफुल हुआ है रिसेंटली, दैट्स वाई ये न्यूज में रहा था।
इस मिशन में जो जो पार्टिसिपेट किया था, ऑर्बिटर था, रिटर्नर, लैंडर और असेंडर, ये चार इंस्ट्रूमेंट के साथ गया ही, ऑर्बिटर, रिटर्नर, लैंडर और असेंडर। 2 जून को लैंड हुआ है मून पर, दैट्स वाई ये न्यूज में रहा। सो द नेक्स्ट वन इज, रिसेंटली हाउ मच गोल्ड डिड आरबीआई एलोकेट फ्रॉम द यूके टू द डोमेस्टिक वॉल्ट्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2024। सो फाइनेंशियल ईयर 2024 में कितना सोना आरबीआई ने यूके से डोमेस्टिक वॉल्ट में आवंटित एलोकेट किया है, डोमेस्टिक तिजोरियों में सोना भिजवाया गया है कहाँ से, यूके से, भारत का। सो आंसर होगा अप्रोक्सीमेट 100 मीट्रिक टन गोल्ड को रिलोकेट किया गया है यूके से इंडियन इंडियन वॉल्ट्स में, और इंडियन वॉल्ट्स कहाँ पर, मुंबई और नागपुर में। मुंबई और नागपुर में रिलोकेट किया गया है 100 मीट्रिक टन सोने को कहाँ से, यूके से, ताकि जो रिसेंटली जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है इन सब के बिटवीन रिस्क फैक्टर को कम किया जा सके। जैसे कि अभी रशिया के साथ हुआ, क्या हुआ, रशिया के जितने भी एसेट्स है उनको फ्रीज कर लिया गया वेस्टर्न नेशंस ने। दैट्स वाई इस स्टेप को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है गोल्ड को अलोकेट करने का। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट वन इज, होंगा टोंगा हंगा हपाई वोल्केनो रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच रीजन। सो रिसेंटली ये वोल्केनो, हपाई वोल्केनो, ये न्यूज में था, और ये किस रीजन में लोकेटेड है। सो ये है साउथर्न पैसिफिक ओशन में है, एक्टिव वोल्केनो की कैटेगरी में आता है। सो रिसेंट स्टडी ने बताया है कि ये जो एक्टिव वोल्केनो से जो एरप्शन हो रहा है, ये कारण बन रहा है वहां के अनयूजुअल वेदर पैटर्न के लिए, रिस्पॉन्सिबल बताया जा रहा है इस वोल्केनो को, दैट्स वाई ये न्यूज में रहा। जनरली ये जो वोल्केनो है इसका डेवलपमेंट हुआ है पैसिफिक प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के सबडक्शन से। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज टमेसेप्टेरिस लांसुलाटा रिसेंटली सीन इन द न्यूज। सो ये जो एक टाइप की स्पीशीज है, प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है, टमेसेप्टेरिस लांसुलाटा, और एक फॉक फर्न है ये। फाइन, फॉक फर्न की स्पीशीज रिसेंटली डिस्कवरी हुई, दैट्स व्हाई न्यूज में रही। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। विच ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ सनकोशी रिवर रिसेंटली इन न्यूज। सो रिसेंटली सनकोशी रिवर न्यूज में रही थी, और इसका ग्लेशियर सोर्स की बात की जा रही है, कौन सा रहेगा फ्रॉम दीज ऑप्शन। सो आंसर होगा झांग झांगबो ग्लेशियर। सो झांग झांगबो ग्लेशियर सोर्स है संकोशी रिवर का, और ये जो संकोशी रिवर है ये कहाँ की है, नेपाल की, और तिब्बत से इसका ओरिजिन पॉइंट है। सो रिसेंटली न्यूज में रही क्योंकि यहाँ पर अभी कैंपेन चला था, कैंपेन क्या था, रिवर क्लीन अप कैंपेन, जो कि पार्ट है प्लीज प्रोग्राम का। प्लीज प्रोग्राम क्या चल रहा है रिसेंटली, प्लास्टिक फ्री रिवर्स एंड सीज ऑफ साउथ एशिया। सो ये जो प्रोग्राम है इसी के तहत संकोशी रिवर को टारगेट किया गया क्लीन अप कैंपेन के लिए, दैट्स वाई ये न्यूज में रही। और अप्रोक्सीमेट 24,575 kg ऑफ वेस्ट यहां से कलेक्ट किया गया, रिमूव किया गया, संकोशी रिवर, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिवर ऑफ गोल्ड, नेपाल में है, कोशी रिवर सिस्टम ये बनाती है, और कौन से ग्लेशियर से इसका ओरिजिन पॉइंट है, झांग झांगबो ग्लेशियर पॉइंट। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट वन इज, रिसेंटली विच टू ऑर्गेनाइजेशंस हैव जॉइंटली डेवलप्ड द यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो टू रिप्लेस द इंडिया ऑर्गेनिक एंड जैविक भारत लोगोस। सो रिसेंटली किन दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर जॉइंटली डेवलप करा है यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो को, और इस प्रकार रिप्लेस किया गया है दो अदर लोगोस को, इंडिया ऑर्गेनिक और जैविक भारत लोगो। सो इन दोनों को रिप्लेस करके एक सिंगल इंडिया ऑर्गेनिक लोगो को लॉन्च किया है, किन दो ऑर्गेनाइजेशन ने। सो आंसर होगा फसाई एंड नेपेडा। सो फसाई एंड नेपेडा का इनिशिएटिव है ये। सो भारत के जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है उनको पहले दो लोगों से दिखाया जा रहा था, इंडिया ऑर्गेनिक और जैविक भारत लोगो, बट अब इसके लिए सिंगल लोगों को ला दिया गया, यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक, और ये इनिशिएटिव है फसाई का एंड नेपेडा का। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट वन इज, विच टाइगर रिजर्व ऑफ महाराष्ट्र रिसेंटली रिपोर्टेड द फर्स्ट फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ द स्पॉट बैलेज्ड ईगल आउल। सो रिसेंटली महाराष्ट्र में कौन से टाइगर रिजर्व में रिपोर्ट किया गया है पहला फोटोग्राफिक रिकॉर्ड किसका, स्पॉट बैलेज्ड ईगल आउल का। सो रिसेंटली ये जो रिकॉर्ड मिला है पहली बार किसी स्पॉट बैलेज्ड ईगल आउल का, और ये कहाँ से मिला है, पेच टाइगर रिजर्व से मिला है, पेच टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में। सो
पेज टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र ने रिसेंटली डॉक्यूमेंट करा है फर्स्ट फोटोग्राफ ऑफ अ स्पोर्ट बैलेंस्ड ईगल आउल, और इस कैटेगरी का जो नाम है वो क्या है, केटुपा निपलिनसिस, जो साइंटिफिक नेम है केटुपा निपलिनसिस। सो इसकी फर्स्ट फोटोग्राफिक रिकॉर्ड को दर्ज किया है रिसेंटली पेज टाइगर रिजर्व ने, दैट्स वाई ये न्यूज में रहा। और ये जो कैटेगरी है इसको IUCN ने किस कैटेगरी में डाल रखा है, लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में। लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आता है स्पॉट बैलिस्ट ईगल आउल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो इन अ जेस्चर ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड, इंडिया हैज रिसेंटली सेंट अ शिपमेंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 90 टन्स ऑफ मेडिकल सप्लाईज टू विच कंट्री। सो जेस्चर ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड, और इसके लिए रिसेंटली इंडिया ने अप्रोक्सीमेट 90 टन्स ऑफ मेडिकल सप्लाई भेजी है, किस कंट्री को शिपमेंट हुआ है ये? सो रिसेंटली ये जो हुआ है क्यूबा को हुआ है। क्यूबा को इंडिया ने मेडिकल एड भेजी है, कहाँ से, मुंद्रा पोर्ट से। सो रिसेंटली क्यूबा में हो रहा है इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, और इसी क्राइसिस के बिटवीन इंडिया ने हेल्प करी है 90 टन्स ऑफ मेडिकल सप्लाईज की टू दी क्यूबा। फाइन। सो इस प्रकार फार्मेसी ऑफ दी वर्ल्ड का इंडिया का रोल हो गया है क्यूबा को ये हेल्प दर्शा। सो द नेक्स्ट वन इज, विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली डेवलप्ड कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक सॉफ्टवेयर नेम्ड प्रभा। सो रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप करा एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है प्रभा। सो प्रभा को डेवलप करा है इसरो ने। ये जो सॉफ्टवेयर है क्या करेगा, सिमुलेट करेगा एयर फ्लो को, किसमें, लॉन्च व्हीकल्स में। सो लॉन्च व्हीकल्स में, स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च व्हीकल्स में एयर फ्लो को सिमुलेट करने के लिए इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करा है, जिसका नाम क्या है, प्रभा। और किसने करा है इसको, इसरो ने करा है। और कहाँ से, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से इस कंप्यूटेशनल फ्लड डायनेमिक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन रिसेंटली साइन एन MOU विथ विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर क्रिएटिंग द डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय। सो राष्ट्रीय ई पुस्तकालय जो कि होगी डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म, और इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने रिसेंटली MOU साइन करा है, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये MOU साइन हुआ है। सो आंसर होगा नेशनल बुक ट्रस्ट। सो रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ MOU साइन किया है, जिसके तहत डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म को डेवलप किया जाएगा। उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, राष्ट्रीय ई पुस्तकालय। और एंटिसिपेट किया जा रहा है कि आने वाले 2-3 साल में लगभग 10,000 बुक्स, वो भी 100 डिफरेंट लैंग्वेज में, इस प्लेटफॉर्म में अवेलेबल रहेगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट वन इज, सुंदरनु कागीगर वोल्केनो रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। सो सुंदरनु कागीगर वोल्केनो रिसेंटली न्यूज में था, और कहाँ पर लोकेटेड है, किस कंट्री में है। सो ये आइसलैंड में है। आइसलैंड जिसको कहते हैं लैंड ऑफ फायर एंड आइस। सो रिसेंटली इस वोल्केनो में इरप्शन देखने को मिला, और दिसंबर से अब तक लेकर ये हो चुका है 5th ऑफ टाइम, यानी फिर 5वीं बार इसका इरप्शन हुआ है सेम वोल्केनो का, जो कि कहाँ पर है, आइसलैंड में। सो अपनी वोल्केनिक एक्टिविटी के लिए ये न्यूज में रहा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। रिसेंटली वेयर वॉज द वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी हेल्ड। सो वर्ल्ड समिट रिसेंटली हुई ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, और ये कहाँ पर हुई, जेनेवा में हुई। सो रिसेंटली इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा आयोजित इस समिट में, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSIS, जो कि कहाँ पर हुई, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और ITU ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट वन इज, अकात्सुकी मिशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच स्पेस एजेंसी। सो रिसेंटली एक मिशन न्यूज में रहा, नाम क्या, अकात्सुकी मिशन, और ये किस स्पेस एजेंसी का मिशन है, किससे एसोसिएटेड है। सो ये एसोसिएटेड है जैक्सा का, यानी जापान का मिशन है। रिसेंटली इस मिशन का जो कॉन्टैक्ट है वो जैक्सा से लॉस्ट हो गया, दैट्स वाई ये न्यूज में रहा। इस मिशन को जापान ने लॉन्च किया था 2010 में, और फोकस था ये विनस के लिए, विनस के एटमोसफेयर की स्टडी के लिए फोकस था ये मिशन, और रिसेंटली इनसे जो कॉन्टैक्ट है वो लॉस्ट हो गया है जापान का, दैट्स वाई ये न्यूज में रहा। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो व्हाट इज डिक्टी ऑस्ट्रेलियम
डिस्कॉइडियम रिसेंटली सीन इन द न्यूज. सो ये जो टर्म है डिक्टी ऑस्ट्रेलियम डिस्कॉइडम, ये रिसेंटली न्यूज में रही थी. और क्या है, एक टाइप की अमीबा की स्पीशीज है ये. क्या है अमीबा की स्पीशीज? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम. सो इंडिया को एक और IIM मिलने वाला है, और किस डिस्ट्रिक्ट में मिलने वाला है, वो भी असम के. सो इस IIM का डेवलपमेंट होने वाला है कहाँ पर? कामरूप, आसाम में. इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ये IIM के लिए, दैट्स वाई ये न्यूज में रहा. और इसके लिए जो कोलाबोरेशन हुआ है, ये हुआ है IIM अहमदाबाद के साथ. सो IIM अहमदाबाद के साथ मिलकर इंडियन गवर्नमेंट डेवलप करने वाला है असम कामरूप में IIM को, जो कि नॉर्थ ईस्ट की सेकेंड IIM होने वाली है. इससे पहले भी वहां पर एक IIM ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो विच डे इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन एवरी ईयर? सो हर साल किस डे को ऑब्जर्व किया जाता है एज इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रीगेशन? सो ये जो डे है हर साल मनाया जाता है 4th of June को, 4 जून को सेलिब्रेट किया जाता है. 19th of August 1982 से इस डे को इनिशिएट किया गया था. जनरली दिस डे फोकसेस ऑन द पेन एंड्योर्ड बाय द इनोसेंट चिल्ड्रन. और इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन है? UNODC है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, जो कि 1997 में फाउंड हुई थी. और जनरली इनका जो एम क्या है कि जो चिल्ड्रन की अगेंस्ट में वायलेंस है उसे खत्म करना है, और एनुअली उसी को इवेंट को दर्शाने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन को सेलिब्रेट किया जाता है. कब? 4th of June को. फाइन. सो द नेक्स्ट वन इज हाइड्रोक्सी यूरिया ड्रग रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच डिजीज? सो हाइड्रोक्सी यूरिया की बात की जा रही है, किस डिजीज से रिलेटेड है? सो इसका रिलेशन किससे? सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड है हाइड्रोक्सी ड्रग. सो रिसेंटली जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उन्होंने एड्रेस करा एक सिग्निफिकेंट चैलेंज को. और जो वो सिग्निफिकेंट चैलेंज है वो सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड है. इसके उपचार के लिए जिस ड्रग का यूज किया जाता है उस ड्रग का नाम क्या है? हाइड्रोक्सी यूरिया ड्रग. और इसकी अभी क्या हो रही है, इंडियन गवर्नमेंट को इश्यूज हो रहे हैं इसके लैक के लिए, दैट्स वाई ये अभी हाइड्रोक्सी यूरिया ड्रग न्यूज में है. जो ये जो ड्रग है मोस्टली सुटेबल है पेडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए, जो बच्चों के लिए दवाई आया है उसमें यूज किया जाता है इस ड्रग को. और इसकी अभी शॉर्टेज हो रही है, दैट्स वाई ये न्यूज में रहा. सिकल सेल एनेमिया को कंट्रोल करने के लिए इस ड्रग को यूज किया जाता है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो द नेक्स्ट वन इज रुआहा नेशनल पार्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सो नेशनल पार्क न्यूज में रहा, नाम क्या है? रुआहा. सो एक्चुअली अफ्रीका का नेशनल पार्क है ये. अफ्रीकन कंट्री कौन सी? तंजानिया. सो जनरली तंजानिया बेस्ड नेशनल पार्क है. यहाँ पे रिसेंटली ह्यूमन राइट वायोलेशन हुआ, दैट्स वाई ये न्यूज में रहा था, ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के कारण. जनरली कहाँ पर है ये? वेस्ट ऑफ इरिंगा टाउन और साउथ सेंट्रल तंजानिया, यानी साउथ सेंट्रल तंजानिया के जो इरिंगा टाउन है वहां पर बेस्ड है ये नेशनल पार्क, जहां पर ह्यूमन राइट्स वायोलेशन देखने को मिला. और इससे हाईलाइट हो रहा है क्या, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वहां के कंजर्वेशन अथॉरिटीज और लोकल कम्युनिटीज के बिटवीन, दैट्स वाई ये नेशनल पार्क अभी न्यूज में रहा तंजानिया का. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो हियर द नेक्स्ट इज व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2024? सो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे रिसेंटली एनुअली जो सेलिब्रेट किया जाता है, कब किया जाता है? 5th of June को सेलिब्रेट किया जाता है. इसकी थीम पूछी जा रही है. सो थीम थी लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस, ये इस बार इसकी थीम रही. और 5th of June को सेलिब्रेट किया जा रहा है. कब से? 1973 से इस डे को एनुअली सेलिब्रेट किया जा रहा है. 2024 की थीम रही लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो द नेक्स्ट वन इज सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो टाइगर रिजर्व की बात की जा रही है, नाम क्या है? सत्यमंगलम. कहाँ पर है ये? सो जनरली ये है तमिलनाडु में. सो रिसेंटली जो तमिलनाडु का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने 3 डे एलिफेंट सेंसस इनिशिएट किया था. कहाँ पे? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में, यानी जनगणना किसकी? एलिफेंट्स की. सो 3 डे इनिशिएट करा गया था तमिलनाडु की गवर्नमेंट के द्वारा, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है. और कहाँ पे? तमिलनाडु के भी एरोड डिस्ट्रिक्ट में, दैट्स वाई सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व न्यूज में रहा था. फाइन.
Fine. Let's move to the next one. So, next one is recently the none of the above Nota option emerged as the runner up in which constituency of Madhya Pradesh? So, Madhya Pradesh ki kis constituency mein none of the jo above option tha wo runner up raha? Second raha none of the above. Yani none of the above ko option election ke time mein kisi ko bhi na choose karne ka jo option hai, Nota, none of the above. वो ऑप्शन को दिखा रहा है नोटा NOTA. सो रिसेंटली मध्य प्रदेश के इंदौर कॉन्स्टिट्यूएंसी में द नन ऑफ द अबव ऑप्शन बन चुका है रनर अप विथ अ रिकॉर्ड ऑफ 218,674 वोट. सो इतने सारे लोगों ने केवल वोट किया नन ऑफ द अबव, किसी को भी चूज नहीं करके नन ऑफ द अबव का ऑप्शन क्लिक किया है और इस प्रकार सेकेंड रनर अप रहा. दैट्स वाई ये न्यूज में रहा था. ये जो सिस्टम है नन ऑफ अबव, इसको स्टार्ट किया था 2013 से. 2013 की असेंबली इलेक्शन से इस ऑप्शन को इंक्लूड किया गया था चुनाव के दौरान. और इसी के साथ एक केस आपको याद आएगा जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था इसको स्टार्ट करने का, वो केस कौन सा था? यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस PUCL. सो PUCL और यूनियन ऑफ इंडिया जो केस हुआ था उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिए थे इस ऑप्शन को लाने के लिए. फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो हेयर व्हाट इज नियो रिसेंटली सीन इन द न्यूज. सो नियो की बात की जा रही है. व्हाट इज नियो? क्या है ये? एक टाइप का प्रोटीन है, अ नोवल प्रोटीन. रिसेंटली जो रिसर्च है उसने आइडेंटिफाई करा एक नोवल प्रोटीन को जिसका नाम क्या है? नियो, जो कि क्रूशियल बैक्टीरियल डिफेंस है अगेंस्ट बैक्टीरियोफेजेस. यानी बैक्टीरिया डिफेंस प्रोटीन है ये. दैट्स व्हाई ये न्यूज में रहा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो रिसेंटली विच मिनिस्ट्री डिक्लेयर्ड सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट SDC मैंडेटरी फॉर ऑल न्यू एडवर्टाइजमेंट. सो जितने भी नए एड आने वाले हैं उनके लिए SDC को कंपल्सरी कर दिया गया है. और किस मिनिस्ट्री ने इसको डिक्लेयर किया है? सो SDC यानी सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट. सो इसको करा है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. सो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का इनिशिएटिव है जिससे मैंडेटरी हो चुका है SDC सर्टिफिकेट जितने भी नए एडवर्टाइजमेंट आने वाले हैं. और इस प्रकार ये जो SDC है ये इंश्योर करेगा कि जितने भी नए एड आएंगे वो ट्रुथफुल है और कंप्लाई करते हैं रेगुलेटरी गाइडलाइन के साथ. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस्ड अ ₹10,000 crore प्रोजेक्ट फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक टू टैकल एयर पॉल्यूशन. सो एयर पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए वर्ल्ड बैंक से फंड की हेल्प से किस स्टेट गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया है और उस प्रोजेक्ट की जो फंडिंग है कितनी हुई है? 10,000 crore rupees की फंडिंग हुई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा. और ये मिला है किसको? हरियाणा को मिला है. सो रिसेंटली जो हरियाणा की चीफ सेक्रेटरी है TVSN प्रसाद, उन्होंने अनाउंस करा है ₹10,000 crore की फंडिंग के बारे में जो उन्हें वर्ल्ड बैंक से मिली है ताकि वो उस प्रोजेक्ट पे काम कर सके जिससे कॉम्बेट किया जा सके स्टेट का एयर पॉल्यूशन. ठीक है, और इससे सबसे जो पहला एरिया को टारगेट किया जाएगा वो है NCR डिस्ट्रिक्ट. तो NCR डिस्ट्रिक्ट में एयर क्वालिटीज को एनहेंस करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर करने के लिए इनिशिएट कर रहा है प्रोजेक्ट हरियाणा. फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली डेवलप्ड इनोवेटिव फायर रेस्क्यू ड्रोन. सो ड्रोन आया है, नया तो ऑलरेडी नहीं है लेकिन नया फीचर क्या है? फायर रेस्क्यू ड्रोन, यानी हाई टेम्परेचर में भी काम करेगा ये. सो हाई टेम्परेचर में वर्क करने वाला ड्रोन मार्केट में आया है. किसने इसको डेवलप करा है? IIT धारवाड़ ने किया है. IIT धारवाड़ ये कहाँ की है? कर्नाटका. कर्नाटका की IIT है और इन लोगों ने अभी इनोवेटिव किया है, इनोवेशन किया है फायर रेस्क्यू ड्रोन का. जो टीम है इनको लीड किया है किसने? सुधीर सिद्धपुर रेड्डी एंड अमीर मुल्ला. जो टीम के लीडर है सुधीर सिद्धपुर रेड्डी एंड अमीर मुल्ला, कर्नाटका के IIT धारवाड़ से जो रिलेट करते हैं. इन्होंने अनवेल किया है फायर रेस्क्यू असिस्टेंट ड्रोन जो कि लो स्पेस में भी काम करेगा, यानी स्मॉल स्पेसेस में भी काम करेगा. और सबसे जो मेन फीचर है वो क्या है? हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर पे भी ये काम करेगा. फाइन, दैट्स वाई ये न्यूज में रहा कर्नाटका IIT धारवाड़ का इनिशिएटिव. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो विच कंट्री होस्टेड द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2024? सो किस कंट्री ने होस्ट किया द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2024?
वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाया था? 5 जून को मनाया था, और इस बार किया सऊदी अरेबिया। सो 5 जून को एनुअली सेलिब्रेट करने वाले इस इवेंट को इस बार सऊदी अरेबिया ने होस्ट किया, और ये थी, और इससे पहले इंडिया भी कर चुका है इसको होस्ट। और इंडिया ने कब किया था? 2018 में किया था। 45th वर्ल्ड एनवायरमेंट डे को, जो 2018 का एडिशन था, उसको इंडिया ने होस्ट किया था, और तब थीम रही थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। सो यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंडिया ने जब 2018 में किया था, उसकी थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। उसके बाद अभी तक इंडिया ने नहीं करा है। 24 का जो एडिशन रहा था, उसको सऊदी अरेबिया ने करा है। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट वन इज माउंट कलाउन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। सो अगेन एक वोल्केनो की बात की जा रही है। माउंट कलाउन वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो है, रिसेंटली न्यूज में रहा था, एरप्शन हुआ, दैट्स व्हाई न्यूज में रहा था, और किस कंट्री में लोकेटेड है? सो ये है फिलीपींस में लोकेटेड है। सो रिसेंटली हंड्रेड्स ऑफ पीपल ने शेल्टर लिया कहाँ पे? इवैक्यूएशन सेंटर में, जब आफ्टर माउंट कलाउन एरप्शन। सो सेंट्रल फिलीपींस में इसका इरप्शन हुआ है, और जनरली किसका पार्ट है ये? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट है ये जो माउंट वोल्केनो है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है का पार्ट है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। स्ट्रेटो वोल्केनो है, इसकी जो हाइट है 2435 मीटर है, और इरप्शन से शेल्टर लिया गया रिसेंटली हंड्रेड्स ऑफ पीपल के द्वारा, दैट्स वाई ये न्यूज में रहा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो वॉट इज थिस्मिया मलायाना रिसेंटली सीन इन द न्यूज? सो ये जो टर्म है थिस्मिया मलायाना रिसेंटली न्यूज में रहा था, और ये टर्म किस चीज को इंडिकेट करता है? सो अ न्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट, अ न्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट को इंडिकेट करता है थिस्मिया मलायाना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो हेयर द नेक्स्ट इज विच कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन द एयर ऑफ द एंथ्रोपोसेन प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज? सो एंथ्रोपोसेन प्रोजेक्ट, एयर ऑफ द एंथ्रोपोसेन प्रोजेक्ट, ये अभी रिसेंटली न्यूज में रहा, और कौन कौन सी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व? सो ये जो प्रोजेक्ट है एयर ऑफ द एंथ्रोपोसेन प्रोजेक्ट, ये विजुलाइज करता है एयर पॉल्यूशन को कहाँ पर, कौन से कंट्रीज में? इंडिया, इथोपिया एंड यूके। इंडिया, इथोपिया एंड यूके, और वहां के जो एयर पॉल्यूशन है उसको विजुलाइज कर रहा है किसके थ्रू? लाइट पेंटिंग के थ्रू, और हाईलाइट कर रहा है सीवियर हेल्थ रिस्क एंड ग्लोबल डिस्कशन किस पे? एयर क्वालिटी पर उसको स्पार्कल कर रहा है, दैट्स वाई ये न्यूज में रहा था। ये जो विजुलाइजेशन है, किन कंट्रीज का विजुलाइजेशन है? इंडिया, इथोपिया एंड यूके, और इसके लिए जो टर्म आई है एयर ऑफ द एंथ्रोपोसेन प्रोजेक्ट। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो रिसेंटली महारानी टेम्पल विच हैज बीन रिसेंटली डैमेज बाय फायर इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी? सो महारानी टेम्पल अभी न्यूज में रहा था, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, ये डैमेज हो चुका है फायर से, कहाँ पर है ये लोकेटेड? सो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है ये। जम्मू कश्मीर का आइकॉनिक महारानी टेम्पल है जो कि गुलमर्ग में लोकेटेड है, कहाँ पर? गुलमर्ग। रिसेंटली यहाँ पर क्या हुआ है? डैमेज बाय फायर, ट्रेजिकली गटेड इन अ ब्लेज। सो ये जो टेम्पल है महारानी टेम्पल, इसको 1915 में बनाया गया था। किन्होंने बनाया था? मोहिनी बाई सिसोदिया, जो कि वाइफ है किसकी? महाराजा हरी सिंह की। हरी सिंह जो कि जम्मू कश्मीर के राजा थे। सो उनकी वाइफ के द्वारा बनाया गया आइकॉनिक टेम्पल था, और रिसेंटली डैमेज बाय फायर, और इसका जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो चुका है, दैट्स वाई ये न्यूज में रहा। सो द नेक्स्ट वन इज ग्लोबल एनुअल टू डेकेडल क्लाइमेट अपडेट रिपोर्ट रिसेंटली इन द न्यूज इज इशूड एनुअली बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? सो खबरों में रही ये जो रिपोर्ट है, नाम क्या है? ग्लोबल एनुअल टू डेकेडल क्लाइमेट अपडेट। किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे एनुअली जो इशू करता है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा जा रहा है? सो द आंसर इज WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसको एनुअली इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। नाम क्या है? ग्लोबल एनुअल टू डेकेडल क्लाइमेट अपडेट। सो एक्चुअली इस बार इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो टेम्परेचर है, ग्लोबल टेम्परेचर, वो एक्सीड करने वाला है प्री इंडस्ट्रियल लेवल को भी, और कितना? 1.5 डिग्री सेल्सियस से, यानी जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल टेम्परेचर है उससे भी ज्यादा 1.5 डिग्री सेल्सियस होने वाला है, एटलीस्ट फॉर 1 ईयर, ये इस रिपोर्ट में प्रेडिक्ट किया गया है। और 86% चांसेस है
इस साल 2024 के 2023 से भी वार्मर होने के, गर्म होने के ये इस प्रडिक्शन लगाए जा रहे। 86% फेवर बताया जा रहा है वार्मर का कंपेयर टू द टेम्परेचर ऑफ 2023। फाइन, सो ये दो पॉइंट रहे थे मेजर इस रिपोर्ट में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट वन इज नागी बर्ड सेंचुरी रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज न्यू रामसर साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सो रिसेंटली एक न्यू रामसर साइट आई है, नाम है नागी बर्ड सेंचुरी। सो नागी बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट का टैग मिला है। किस स्टेट में लोकेटेड है ये? सो बिहार में लोकेटेड है। सो इंडिया ने रिसेंटली डिक्लेयर करा है नागी और इसी के साथ एक नकती बर्ड सेंचुरी है एज न्यू रामसर साइट। फाइन, और इसी के साथ नेशन का जो रामसर साइट का काउंट है वो कितना हो चुका है ये आपको बताना है कमेंट में। फाइन, जनरली जो न्यू आई है वो बिहार से है, एक तो नकती एंड नागी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट वन इज रिसेंटली विच कंट्री हैज बैन द एंट्री ऑफ विजिटर्स विथ इजरायली पासपोर्ट। सो इजरायली पासपोर्ट वाले विजिटर्स को बैन कर दिया है। किस कंट्री का इनिशिएटिव है ये? सो ये मालदीव्स का इनिशिएटिव है। सो रिसेंटली जो आउटरेज चल रहा है, गाजा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस दौरान मालदीव ने बैन कर दिया है इजरायली पासपोर्ट होल्डर्स को उनकी खुद की कंट्री में एंट्री लेने से। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट वन इज रिसेंटली द थर्ड इंडियन एनालिटिकल कांग्रेस वॉज इनोग्रेटेड एट विच प्लेस। सो IAC इंडियन एनालिटिकल कांग्रेस की बात की जा रही है, थर्ड एडिशन था, कहाँ पर इनोग्रेट किया गया? सो द आंसर इज देहरादून। सो थर्ड एडिशन किसका? IAC का रिसेंटली लॉन्च किया गया है कहाँ पर? CSIR IIP इन देहरादून उत्तराखंड। 3 डे का कॉन्फ्रेंस था ये, जनरली फोकस करता है किस पे? रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन ग्रीन ट्रांजिशन। सो ग्रीन जो रोल ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी है इन ग्रीन ट्रांजिशन, इस पर 3 डे का इवेंट था ये इंडियन एनालिटिकल कांग्रेस, इसका थर्ड एडिशन। जनरली अभी कहाँ पे हुआ था? देहरादून में। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ विच टाइप ऑफ वायरस। सो रिसेंटली एंजाइम न्यूज में रहा RT एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। सो मोस्टली किस टाइप वायरस से ये एसोसिएटेड है? सो द आंसर इज रेट्रो वायरस। सो रिसेंटली जो रिसर्चर्स है उन्होंने एक प्रोटीन को आइडेंटिफाई किया था, अभी हमने पहले क्वेश्चन देखा था, उस प्रोटीन का नाम क्या था? नियो। जनरली ये प्रोटीन क्या कर रहा है? बैक्टीरिया कॉज इन्फेक्शन को काउंटर कर रहा है, उसकी रेप्लिकेशन को होल्ड करके, स्टॉप करके, रेप्लिकेशन प्रोसेस को, डुप्लीकेशन जिसको हम बोलते हैं उसको स्टॉप करके। सो जनरली ये जो प्रोटीन है ये बैक्टीरिया कॉज इन्फेक्शन को काउंटर कर रहा है। और इस प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में जिस एंजाइम का यूज किया जाता है वो है RT एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। सो ये RT एंजाइम इस प्रोटीन को बना रहा है और ये प्रोटीन क्या कर रहा है? बैक्टीरिया कॉज इन्फेक्शन को होल्ड कर रहा है, रोक रहा है। इस प्रकार ये जो डिस्कवरी है ये शोकेस कर रही है क्या? इस RT एंजाइम के रोल को किसमें? बैक्टीरिया डिफेंस। फाइन, सो दैट्स वाई ये न्यूज में रहा था। सो सिंपली यू हैव टू रिमेम्बर कि ये जो एंजाइम है ये मोस्टली किस टाइप के वायरस से एसोसिएटेड होता है? रेट्रो वायरस से। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट 2024 रिसेंटली रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। सो रिपोर्ट अगेन स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट। सो इसको पब्लिश किया यूनेस्को ने किया है। यूनेस्को ने जो 2024 स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट है इसमें क्या हाईलाइट किया गया है? हाईलाइट किया गया है क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन एक्टिविटीज जो कि इम्पैक्ट कर रही है ग्लोबल ओशंस को। सो ग्लोबल ओशंस को इम्पैक्ट करने वाली जो एक्टिविटीज है ह्यूमन एक्टिविटीज प्लस क्लाइमेट चेंज को हाईलाइट किया गया है स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट, जिसको रिलीज किया गया है किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। फाइन, नेक्स्ट वन इज निप्रो सिटी recently seen in news due to missile attack is located in which country? So recently Nipro City news में रही थी क्योंकि हुआ था क्या पर? क्या? मिसाइल अटैक। और किस कंट्री से ये रिलेटेड है? सो यूक्रेन से रिलेटेड है ये Nipro City। सो रिसेंटली रशियन मिसाइल अटैक हुआ कहाँ पर? यूक्रेन पर, यूक्रेन के भी Nipro City पर, जो कि यूक्रेन का फोर्थ लार्जेस्ट सिटी है। दैट्स वाई मिसाइल अटैक के कारण ये न्यूज में रहा, सिंपली रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के इस सिटी पर, दैट्स वाई न्यूज में रहा था।
नेक्स्ट वन इज एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड रिसेंटली ज्वाइंट हैंड्स विद साउथ अमेरिकन कंट्री टू एनेबल यूपीआई पेमेंट्स। सो एनपीसीआई ने रिसेंटली कोलैबोरेशन करा है किसके साथ, कौन सी साउथ अमेरिकन कंट्री के साथ, ताकि वहां पर एनेबल किया जा सके यूपीआई पेमेंट्स को। सो ये जो कोलैबोरेशन हुआ है, ये हुआ है जो अमेरिकन कंट्री है पेरू, पेरू के साथ कोलैबोरेशन हुआ है एनपीसीआई का। पेरू का जो सेंट्रल बैंक है बीसीआरपी, दोनों के बिटवीन पार्टनरशिप हुई है टू क्रिएट अ यूपीआई लाइक पेमेंट सिस्टम इन पेरू। नेक्स्ट वन इज रिसेंटली इंडिया लॉन्च्ड बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस विथ विच कंट्री। सो रिसेंटली इंडिया ने, भारत ने किस देशों के साथ बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस शुरू किया है। सो ये जो अलायंस है, ये स्टार्ट हुआ है यूएस, जापान एंड साउथ कोरिया। सो यूएस, जापान एंड साउथ कोरिया के साथ इंडिया ने लॉन्च करा एक अलायंस, बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2024 रिसेंटली रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। सो वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2024, और इसे किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करा है? सो इसको रिलीज करा है कैप गेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो जनरली कैप गेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट एनुअली इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है, वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2024। ये न्यूज में रहे क्योंकि इसका एक जो पॉइंट है वो इंडिया से रिलेटेड है। इन्होंने बताया कि इंडिया में टोटल 12.12% का राइज देखने को मिला है इंडियाज हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स में 12.12% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है, और टोटल हो चुका है 3.58 मिलियन। और ग्लोबल लेवल पे जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 4.7% का हुआ है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। दैट्स वाई ये न्यूज में रही थी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस्ड द न्यू फ्रेमवर्क फॉर अनअफेक्टेड प्राइस। सो किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस करा है न्यू फ्रेमवर्क फॉर अनअफेक्टेड प्राइस? सो ये इनिशिएटिव किसका है? सेबी का है। सेबी ने इंट्रोड्यूस करा है फ्रेमवर्क जो कि बेस्ड है अनअफेक्टेड प्राइस पे, ताकि मिटिगेट किया जा सके इम्पैक्ट को, किसके इम्पैक्ट को? ऑफ मार्केट र्यूमर्स ऑन स्टॉक प्राइजेस। यानी स्टॉक प्राइजेस पे जो मार्केट के र्यूमर्स है, उसके जो इम्पैक्ट है, उसे कम करने के लिए अनअफेक्टेड प्राइस बेस्ड फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस करा है सेबी ने। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो वॉट डज ओरिगैमी इन बायोलॉजी रेफर टू? सो ओरिगैमी की बात की जा रही है, और बायोलॉजी में किस टर्म को ये रेफर करता है? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फोल्डिंग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इनटू स्पेसिफिक शेप्स और स्ट्रक्चर। यानी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को फोल्ड करना इनटू द स्पेसिफिक शेप्स और स्ट्रक्चर, इस टर्म को रेफर कर रहा है ओरिगैमी इन बायोलॉजी। नेक्स्ट वन इज वॉट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ तृष्णा मिशन रिसेंटली इन न्यूज? सो रिसेंटली तृष्णा मिशन न्यूज में रहा था, और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है तृष्णा मिशन की। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मॉनिटरिंग सरफेस टेम्परेचर एंड वाटर मैनेजमेंट एट रीजनल टू ग्लोबल स्केल। ये इसका इनिशिएटिव रहा। सो ये जो तृष्णा मिशन है, ये कोलाबरेशन है किनके बिटवीन? इसरो के बिटवीन और CNES के बिटवीन, जिसका एम क्या है? मॉनिटर करना है सरफेस टेम्परेचर को और वाटर मैनेजमेंट को ग्लोबल लेवल पर। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट वन इज सहस्त्र ताल ट्रैक रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो ट्रैक पॉइंट की बात की जा रही है जिसका नाम क्या है? सहस्त्र ताल ट्रैक। किस स्टेट में लोकेटेड है ये? सो आंसर है उत्तराखंड। सो रिसेंटली यहाँ पर एक ट्रैजिक हुआ है, जो दुखद घटना हुई है यहाँ की, कर्नाटका से रिलेटेड है ये। कहाँ पर है? सहस्त्र ताल ट्रैक कर्नाटका में। सो ट्रैजिकली 9 ट्रैकर्स ने अपनी लाइफ लॉस्ट कर दी यहाँ पर, सहस्त्र ताल इन उत्तराखंड, जो कि 22 मेंबर ग्रुप का पार्ट थे। और ड्यू टू बैड वेदर ट्रैक से लौटते वक्त ये जो 9 ट्रैकर्स है, इनका निधन हो गया इस सहस्त्र ताल ट्रैक में, जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है। दैट्स व्हाई ये न्यूज में रहा। नेक्स्ट वन इज मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2 स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? सो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2 की बात की जा रही है। ये जो स्कीम है, ये किस स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है? सो राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम है ये, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2। सो वाटर स्कैसिटी को कम करने के लिए इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया है राजस्थान की गवर्नमेंट ने। इनका जो एम रहेगा इस मिशन के तहत, कंस्ट्रक्ट करना है 500,000 वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। 500,000 वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को क्रिएट करना इसका एम रहेगा ओवर 22,000 विलेजेस में, इन 22,000 20,000 विलेजेस में।
ठीक है, और जो ड्यूरेशन रहने वाली है वो 4 ईयर्स की रहने वाली है, राजस्थान गवर्नमेंट का प्लान फॉर वाटर स्पेशलिटी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। रिसेंटली CSC SPV साइंड एन MOU विथ विच मिनिस्ट्री टू कन्वर्ट 10,000 FPOs इनटू CSCs। सो हाल ही में CSC SPV ने 10,000 FPO को CSC में बदलने के लिए किस मिनिस्ट्री के साथ एग्रीमेंट किया है? सो ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ। सो MOU साइन हुआ है CSC SPV और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के बिटवीन, ताकि कन्वर्ट किया जा सके 10,000 FPOs को किसमें? CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर में। ठीक है, इस इनिशिएटिव का एम क्या है? एनहेंस करना है रूरल डेवलपमेंट को और डिजिटल एम्पावरमेंट को भी स्ट्रेंथन करना है और FPOs को इनेबल करके। सो द नेक्स्ट वन इज AGT जॉन सिंह हु रिसेंटली पास्ड अवे बिलोंग टू विच फील्ड। सो AGT जॉन सिंह जिनका रिसेंटली निधन हुआ है, किस फील्ड से रिलेटेड है बिलोंग करते हैं? सो द आंसर इज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट। सो वाइल्ड लाइफ संरक्षणवादी है ये, जिनका रिसेंटली निधन हो गया है। जनरली तमिलनाडु से ये बिलोंग करते हैं और अभी 78 की एज में इनका निधन हुआ है। काफी बड़ा रोल था इनका टाइगर कंजर्वेशन में। सो AGT जॉन सिंह वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट के नेम से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन इज विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च न्यू इनिशिएटिव फॉर ग्रीनिंग एजुकेशन इन क्लासरूम। सो किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली लॉन्च करा है न्यू इनिशिएटिव फॉर ग्रीनिंग एजुकेशन इन क्लासरूम? सो ये जो स्टेप है ये किसका? यूनेस्को का है। सो रिसेंटली यूनेस्को ने न्यू टूल्स लॉन्च करे अंडर ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप। जो न्यू टूल्स है इसमें एक GCG है, ग्रीनिंग करिकुलम गाइडेंस, और सेकेंड है GSQ ग्रीन स्कूल क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो बेसिकली जो यूनेस्को का ऑब्जेक्टिव है उसमें 80 मेंबर स्टेट को इन्वॉल्व करना है और एम क्या है कि लर्नर्स को इक्विप करना है विद अ स्किल टू टैकल क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए स्किल्स से इक्विप करना है इन 80 मेंबर स्टेट्स को, प्लस प्रमोट करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो जनरली जो ग्रीनिंग एजुकेशन है यूनेस्को का इनिशिएटिव है क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। M2U 127 BPT 2846 एंड NLR 3238 रिसेंटली सीन इन द न्यूज आर रिलेटेड टू विच क्रॉप? सो ये तीनों जो स्पीशीज है किस क्रॉप की है जो रिसेंटली न्यूज में है? सो राइस की है ये। फाइन, सो रिसेंटली ये न्यू राइस वेराइटीज आई है और खरीफ कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। सो आंध्र प्रदेश की नई न्यू राइस वेराइटीज है खरीफ फसल की M2U 127 BPT एंड NLR जो कि राइस की वेराइटीज है। सो द नेक्स्ट वन इज विच कंट्री रिसेंटली अनवील अ मॉन्यूमेंटल 700 मीटर पेडेस्ट्रियन ब्रिज नेम द ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी? सो ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी कहाँ पर है ये और किस कंट्री ने अनवील करा है रिसेंटली? अ मॉन्यूमेंटल 700 मीटर पेडेस्ट्रियन ब्रिज है ये। सो आंसर होगा हंगरी। सो रिसेंटली हंगरी ने अनवील करा है 700 मीटर पेडेस्ट्रियन ब्रिज जो कि कहाँ पे बना है? बुदापेस्ट की डैन्यूब रिवर पर। सो डैन्यूब रिवर पर है ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी जिसको रिसेंटली अनवील करा है हंगरी ने, ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट वन इज रिसेंटली वेयर वॉज द थर्ड ग्लासगो डायलॉग ऑन लॉस एंड डैमेज हेल्ड? सो रिसेंटली कहाँ पर ग्लासगो डायलॉग ऑन लॉस एंड डैमेज ये जो समिट है ये हुई है? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए बॉन जर्मनी। सो रिसेंटली थर्ड एडिशन ऑफ ग्लासगो डायलॉग ऑन लॉस एंड डैमेज कहाँ पर हुई है? बॉन जर्मनी में। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अलॉन्ग विथ विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज और डिजिटल प्लेटफॉर्म? सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर लॉन्च करा है नेशनल क्लेम एक्सचेंज और जो कि क्या है? डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो NFCX जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को रिसेंटली लॉन्च किया है। सो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये जो कोलाबोरेशन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ हुआ है। नेक्स्ट वन इज रिसेंटली वेयर वॉज द फर्स्ट कमांड एंड कंट्रोल
compatibility board meeting for 2024 between India and US held. So recently जो compatibility board meeting हुई है जो कि first of its kind है command and control पर India और US के between हुई है और कहाँ पर हुई है New Delhi में ही हुई है. So the first 2024 command and control compatibility board meeting India और US के between कहाँ पर हुई New Delhi में हुई मानेकशॉ सेंटर पे 4 to 7 June के between हुई थी. Fine. Next one is recently who has been named the EY World Entrepreneur of the Year 2024. So recently, who has been किनको name दिया गया है the EY World Entrepreneur of the Year 2024. So इसका answer होगा Vellayan Subbiah. Answer option number A Vellayan Subbiah. इंडियन एंटरप्रेन्योर है वलयन सुबेया. उन्हें रिसेंटली वन किया है द ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 कहां पर मोनाको में. और इस प्रकार वो बन चुके हैं फोर्थ इंडियन टू रिसीव दिस ऑनर. इनसे पहले 3 लोग ऑलरेडी इस ऑनर को जीत चुके हैं और फोर्थ इंडियन बन चुके द ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर को क्लिंच करने वाले. नाम क्या है इनका वलयन सुबेया. फाइन. और इन्हीं के साथ ही एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है किसके ऑफ ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. लार्ज एक्शन मॉडल्स LMS फ्रिक्वेंटली सीन इन द न्यूज एज रिलेटेड टू विच फील्ड. सो ये जो टर्म है LMS लार्ज एक्शन मॉडल्स क्या है ये किस फील्ड से रिलेटेड है. सो AI से रिलेटेड है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो जो एंटरप्राइजेस है वो ग्लोबली अडॉप्ट कर रहे हैं लार्ज एक्शन मॉडल्स को जो कि एडवांस AI मॉडल है ताकि कॉम्प्लेक्स गोल्स को इजीली तरीके से समझा जा सके. सो उसके लिए LAM मॉडल्स को अडॉप्ट किया जा रहा है एंटरप्राइजेस के द्वारा जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. दैट्स व्हाई ये न्यूज में रहा. सो द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज. सो ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम रिसेंटली न्यूज में थी इसका प्राइमरी पर्पस क्या है. So option number B is the answer to rebate the incidence of customs and central excise duties on material used in exported goods. यानी exported goods में जो material use हो रहा है उसमें custom and central excise duty को rebate करना discount देना ये इसका purpose है primary. Rebate discount को indicate कर रहा है. Fine. So option number B is the answer. Next one is which type of ecosystem is associated with the recent discovery of fascinating animals like transparent sea cucumbers and pink sea pigs. So किस टाइप का ecosystem associated है recent discovery जो हुई है fascinating animals like transparent sea cucumbers and pink sea pigs. So answer होगा abyssal plains. Abyssal plains ecosystem associated in new discoveries से recent discoveries से transparent sea cucumbers के pink sea pigs. जनरली जो एबिसल प्लेन्स क्या होता है डीपेस्ट एंड प्लेन सरफेस ऑफ ओशन. डीपेस्ट एंड प्लेन सरफेसेस को दिखा रहा है ये वर्ड ओशंस की. सो ये इकोसिस्टम एसोसिएटेड है रिसेंट डिस्कवरीज से ट्रांसपेरेंट सी ककम्बर्स एंड पिंक सी पिग्स के. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो रिसेंटली वेयर वॉज द ईस्ट एशिया समिट EAS एंड द एशियन रीजनल फोरम सीनियर ऑफिशियल मीटिंग हेल्ड. सो जो रिसेंटली मीटिंग हुई है किसकी EAS और एशियन सीनियर ऑफिशियल्स की. सो ये जो मीटिंग कहाँ पर हुई है वियतनाम लाओ में हुई है. आंसर इज वियतनाम लाओ. सो रिसेंटली जयदीप मजुमदार जो कि इंडिया से रिलेटेड है उन्होंने रिप्रेजेंट कर रहा है समिट में इंडिया को. दैट्स वाई ये न्यूज में रहा था. नाम क्या है जयदीप मजुमदार. इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट करा एट द ईस्ट एशिया समिट एंड एशियन रीजनल फोरम जो कि कहाँ पर हुई थी वियतनाम में हुई थी. फाइन. दैट्स व्हाई ये न्यूज़ में रहा था. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज स्टिक इन्फ्लेशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज़. सो स्टिक इन्फ्लेशन की बात की जा रही है इकोनॉमिक टर्म जो है किससे रिलेटेड है और रिसेंटली सीन इन द न्यूज़. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी अ फिनोमिनन वेयर प्राइसेस डू नॉट एडजस्ट क्विकली टू चेंजेस इन सप्लाई एंड डिमांड. फाइन. सो इससे रिलेटेड है ये स्टिकी इन्फ्लेशन अ फिनोमिनन एक घटना जहां पर प्राइस डू नॉट एडजस्ट क्विकली फटाफट से चेंज नहीं हो रही टू चेंजेस इन सप्लाई एंड डिमांड. नेक्स्ट वन इज रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट लॉन्च्ड उड़ान प्रोग्राम टू बूस्ट ड्रोन स्टार्टअप्स इन इंडिया. सो इंडिया में ड्रोन स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए उड़ान प्रोग्राम किस इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है. सो आंसर होगा इंस्टीट्यूट IIT कानपुर. सो IIT कानपुर ने रिसेंटली जो प्रोग्राम लॉन्च करा है नाम है उड़ान और एम क्या है टू बूस्ट
drone startups in India. Greater adjutant recently seen in news belongs to which species? So species जिसका नाम क्या है? Greater adjutant किस species से ये belong करती है? So answer is stork. Stork सारस को represent करता है. So ये जो species है सारस species से belong करती है. नाम क्या है? Greater adjutant. Next one is who won the men's single title at the Heilbronn Necker Cup 2024 Challengers Tennis Tournament in Germany? So Germany में जो Heilbronn Necker Cup 2024 Challenger Tennis Tournament हुआ उसमें men's single title recently किसने जीता है? So इसका जो answer होगा option number D. D is the answer. Sumit Nagal. So recently Sumit Nagal ने clinch कराया उनका 6th ATP Challenger title. इनका इनकी करियर का 6th ATP Challenger title है. कहाँ पर हुआ था ये? Heilbronn Necker Cup में जो कि जर्मनी में हुआ. फाइन. नेक्स्ट वन इज रिसेंटली हु वॉन द नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2024 विथ 17.5 पॉइंट्स. सो नॉर्वे चेस टूर्नामेंट का विनर और जो गैप रहा था 17.5 पॉइंट्स का रहा था विथ 17.5 पॉइंट. सो किसने वन किया है? सो द आंसर इज मैग्नस कार्लसन. ऑप्शन नंबर बी. मैग्नस कार्लसन ने रिसेंटली वन किया है द नॉर्वेज चेस 2024 क्राउन और ये है इनका सिक्स्थ टाइम क्लिंच करा है नॉर्वे चेस टूर्नामेंट को विद 17.5. नेक्स्ट वन इज रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ द इंडियन नेवी. सो इंडियन नेवी की फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट कौन बना है रिसेंटली? सो द आंसर इज अनामिका बी राजीव. ऑप्शन नंबर बी. अनामिका बी राजीव रिसेंटली बनी है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ द इंडियन नेवी. वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये क्वेश्चन. अनामिका वीराजी. सो द नेक्स्ट वन इज रिसेंटली अ रेयर फोर हॉर्न एंटीलॉप हैज बीन साइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश. सो मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में पहली बार फोर हॉर्न मृग को अ रेयर फोर हॉर्न मृग एंटीलॉप मृग को दिखाता है हिरण साइटेड फर्स्ट टाइम कहां पर किया गया था? सो द आंसर इज वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व. सो फर्स्ट टाइम जो वीरांगना टाइगर रिजर्व है दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश का है वहां पे पहली बार रेयर फोर ऑन एंटीलॉप को देखा गया. फाइन. इसका जो पहले नाम था नरोधी सेंचुरी था. नरोधी याद है आप लोगों को? नरोधी सेंचुरी का नाम चेंज होकर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किया गया था. नेक्स्ट वन इज विच कंट्री हैज रिसेंटली अनवील्ड इट्स न्यू डीप स्टैंड ऑफ लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल नेम एयर लोरा. सो किस कंट्री ने एयर लोरा को अनवेल करा है जो कि उनकी इट्स न्यू डीप स्टैंड ऑफ लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है. सो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसको रिसेंटली अनवेल करा है इसराइल ने. सो इसराइल का जो एरोस्पेस इंडस्ट्री उन्होंने अनवेल करा है द एयर लोरा जो कि एक एयर लॉन्च्ड वेरियंट है किसका? लोरा बैलिस्टिक मिसाइल का ही है. ठीक है. हाई वैल्यू टारगेट को स्ट्राइक करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है डिजाइन किया गया है. एडवांस नेविगेशन को फीचर करती है एंटी जैमिंग कैपेबिलिटीज है इसमें और एक्सट्रीम कंडीशन में भी ऑपरेट कर सकती है ये. ठीक है. सो ये जो टेक्नोलॉजी है इसराइल की है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज फ्रेसवाल्स की हॉर्सेस रिसेंटली सीन इन न्यूज वर री इंट्रोड्यूस इन द स्टेप्स ऑफ विच कंट्री. स्टेप्स रिप्रेजेंट करता है मैदान को. स्टेप्स यानी मैदान. So, किस कंट्री के मैदानों में फिर से रीइंट्रोड्यूस करा है हॉर्सेस फ्रिजवाल्स की हॉर्सेस. जनरली ये जो हॉर्सेस है इनका ओरिजिनेट हुआ था मंगोलिया से. मंगोलिया बेस्ड है ये और इनको रिसेंटली किस कंट्री के स्टेप्स में रीइंट्रोड्यूस किया है? सो कजाकिस्तान ने अपने मैदानों में रीइंट्रोड्यूस करा है इन हॉर्सेस को फ्रिजवाल्स की हॉर्सेस. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज वेयर वॉज द 112th सेशन ऑफ द इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस ILC ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड रिसेंट. सो ILO का जो ILC कॉन्फ्रेंस थी 112th इसका सेशन था ये रिसेंटली कहाँ पर हुआ? द आंसर इज जेनेवा स्विट्जरलैंड. फाइन. और इंडियन डेलीगेशन ने भी इसमें पार्ट किया था और इंडियन डेलीगेशन को जिन्होंने लीड किया था वो कौन है? सेक्रेटरी सुमिता दावरा. सो सुमिता दावरा ने रिप्रेजेंट किया इंडिया को इस लेबर कॉन्फ्रेंस में और इस प्रकार जो दावरा है सुमिता दावरा उन्होंने डिस्कस किया इंडिया का जो रोल है लेबर इंडस्ट्री में लेबर सेक्टर में जस्ट लाइक जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है उसका जो GDP इम्पैक्ट है
इन सारे पॉइंट्स को इस कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया, दर्शाया गया सुमिता दाबरा के द्वारा। दैट्स वाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और न्यूज में रहा। फाइन, सो सिंपली द मीटिंग जो हुई थी जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी, इंडिया से रिप्रेजेंट किया था सुमित्रा दाबरा ने। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज जाइलोटॉल रिसेंटली सीन इन न्यूज। सो जाइलोटॉल क्या है जिसको रिसेंटली न्यूज में दिखा गया था। सो जाइलोटॉल एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, और शुगर एल्कोहल है ये। क्या है? और शुगर एल्कोहल एक टाइप की शुगर है, और रिसेंटली जो स्टडीज हुई है उन्होंने इंडिकेट करा है कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है ये हेल्थ रिस्क को क्रिएट कर सकता है, कुड पॉज हेल्थ रिस्क, और जो हार्ट अटैक है, स्ट्रोक्स है, ऐसी घटनाओं को उत्पन्न कर सकता है आर्टिफिशियल स्वीटनर जाइलोटॉल और शुगर एल्कोहल। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट इज विच मिनिस्ट्रीज हैव इनिशिएटेड द प्रिपरेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2024। सो किन मिनिस्ट्रीज ने इनिशिएट किया था प्रिपरेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा? सो ये स्टेप है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। सो मिनिस्ट्री ऑफ INB ने और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने रिसेंटली इंटरनेशनल ऑफ डे योगा के लिए क्या किया, प्रिपरेशन इनिशिएट किया, और कब जो योगा डे है कब स्टार्ट हुआ था, बनाया जाता है योगा डे 21 जून को। फाइन, सो इसके लिए जो मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व रही 2024 में, मिनिस्ट्री ऑफ IB एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। नेक्स्ट वन इज गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन न्यूज लोकेटेड इन विच स्टेट। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो रही है, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। सो रिसेंटली जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है उन्होंने गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक न्यू चीता हैबिटेट बनाने के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। सो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाया जाएगा चीता हैबिटेट, और उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की गई है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा। दैट्स व्हाई ये न्यूज में रहा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। रिसेंटली वेयर वॉज द जापान इंडिया मैरिटाइम एक्सरसाइज 2024, जिमैक्स 2024 स्टार्टेड। सो जिमैक्स 2024 की स्टार्ट बात की जा रही है, और ये कहाँ पर हुआ था, जो कि मैरिटाइम एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड जापान। सो ये हुआ था, आंसर इज योकोत्सुका जापान। योकोत्सुका जापान, योकोत्सुका जापान में इंडिया जापान मैरिटाइम एक्सरसाइज 24 का एडिशन हुआ। फाइन, और 8th एडिशन था ये, और जापान ने होस्ट किया था मैरिटाइम एक्सरसाइज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। रिसेंटली मोहन चरण मांझी वाज स्वैन इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। सो सीएम बने हैं कौन? मोहन चरण मांझी। सो मोहन चरण मांझी ये सीएम बने किस स्टेट के बने हैं? सो द आंसर इज उड़ीसा। सो रिसेंटली उड़ीसा के जो न्यू सीएम बने हैं आफ्टर नवीन पटनायक, कौन बने हैं? मोहन चरण मांझी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के हैं ये, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर बनाया गया इन्हें, 12th ऑफ जून को बनाया गया था। फाइन, और जो गवर्नर कौन है यहाँ के? रघुबर दास। गवर्नर कौन है? रघुबर दास। और इस प्रकार इनका हिस्ट्री में नाम आ जाएगा, क्योंकि ये बीजेपी के फर्स्ट लीडर है आफ्टर नवीन पटनायक। नवीन पटनायक वैसे बीजेपी से लीड नहीं करते, लेकिन नवीन पटनायक का रोल बहुत लंबे टाइम तक रहा था उड़ीसा में, और उनके बाद बीजेपी के फर्स्ट लीडर आए मोहन चरण मांझी, इसलिए अपने आप में इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विच डे इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एवरी ईयर। सो हर साल वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है? सो द आंसर इज 12th ऑफ जून। 1st मई को तो हम वर्ल्ड लेबर डे मनाते, लेबर डे मनाते, इंटरनेशनल लेबर डे, और 12th ऑफ जून को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, एनुअली ऑब्जर्व कर रहे हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ठीक है, 12th ऑफ जून को ये जो इनिशिएटिव था 2002 में स्टार्ट किया था किसने? ILO ने किया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। और 2024 की थीम थी इस बार लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट एंड चाइल्ड लेबर। ठीक है, सो द नेक्स्ट वन इज रिसेंटली वेयर वॉज द फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स कंट्रीज हेल्ड। सो ब्रिक्स की मीटिंग हुई है, पॉइंट टू बी नोटेड, ये ब्रिक्स की एनुअल मीटिंग नहीं है, ये फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग है, जो कि इसका फर्स्ट एडिशन है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग की बात हो रही है, ब्रिक्स एनुअल समिट की बात नहीं हो रही है। सो रिसेंटली ये कहाँ पर हुई है? सो रशिया ने होस्ट किया, और रशिया ने कहाँ पर? निजनी नॉवगोरोड रशिया, यहाँ पर इस प्लेस पे फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग को होस्ट किया गया रशिया के द्वारा। फाइन, इसी के साथ इसमें जो न्यू मेंबर्स ऐड हुए,
ब्रिक्स के तो मेंबर ऑलरेडी है ही, बाकी जो न्यू मेंबर ऐड हुए हैं फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग में, वो जो कंट्रीज है, इजिप्ट है, इथोपिया है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है एंड द यूएई। ठीक है, ये न्यू कंट्रीज इसमें ऐड हुई है फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग में, और इस प्रकार रशिया ने इसको होस्ट किया। और इस प्रकार जो 16th एनुअल समिट होने वाली है ब्रिक्स की, वो होगी अक्टूबर 2024 में। 16th एनुअल ब्रिक्स वो अक्टूबर 2024 में फिक्स है। और फिलहाल फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग कहाँ पर हुई? निजनी नॉवगोरोड, रशिया। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज पंडित राजीव तारानाथ, हु रिसेंटली पास्ड अवे, वाज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड। सो पंडित राजीव तारानाथ जी की बात हो रही है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस फील्ड से एसोसिएटेड है? सो एक्चुअली ये सरोद माइस्ट्रो है, सरोद वादक है, क्लासिकल म्यूजिक के वादक, सरोद के। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट वन इज वॉट इज डोनानेमेब, रिसेंटली सीन इन द न्यूज। सो जो ये टर्म है, इसका मतलब क्या है? डोनानेमेब, डोनानेमेब। ठीक है, सो एक्चुअली डोनानेमेब एक न्यू अल्जाइमर्स ड्रग है, जो अल्जाइमर की बीमारी होती है उसकी दवाई है, न्यू अल्जाइमर्स ड्रग। रिसेंटली न्यूज में इसलिए नहीं, क्योंकि जो यूएस के इंडिपेंडेंट एडवाइजर है, उन्होंने इस न्यू अल्जाइमर के ड्रग के जो बेनिफिट है उसको बताया कि रिस्क से ज्यादा इसके बेनिफिट्स है। यानी इसके रिस्क तो है ही, लेकिन इसके जो बेनिफिट है वो इसके रिस्क को भी सरप्लास कर रहे हैं, यानी ज्यादा है बेनिफिट्स। फाइन, सो इसके बेनिफिट्स में से ये है कि ये अल्जाइमर डिजीज को क्योर नहीं करता, बट उसकी प्रोग्रेस को स्लो कर देता है। सो अल्जाइमर के ट्रीटमेंट में इस ड्रग को यूज करने के लिए जो रिसर्च चल रही है, इसलिए ये न्यूज में रहा, डोनानेमाब। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट वन इज विच स्टेट वॉज द हार्डेस्ट हिट बाय फॉरेस्ट फायर्स दिस सीजन, नवंबर टू जून, अकॉर्डिंग टू द डेटा कलेक्टेड बाय द मोडीज सेंसर फिटेड ऑन टू नासाज एक्वा एंड टेरा सेटेलाइट। सो नासा का जो सेटेलाइट है एक्वा एंड टेरा सेटेलाइट, उस पे जो सेंसर फिटेड है मोडीज के, सो उसके अकॉर्डिंग जो हार्डेस्ट हिट फॉरेस्ट फायर है इस सीजन की, नवंबर टू जून, उसमें जो टॉप स्टेट है कौन सा है? सो द आंसर इज उत्तराखंड। सो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिले हैं किसके? फॉरेस्ट फायर के। जो डेटा रिकॉर्ड किया गया है वो अप्रोक्सीमेट 2154 इंसिडेंट्स का रिकॉर्ड किया गया है बाय द मोदी सेंसर फिटेड ऑन द नासाज एक्वा एंड टेरा सैटेलाइट। ठीक है, इसी के बाद जो स्टेट उत्तराखंड के बाद आ रहे हैं, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया एंड छत्तीसगढ़। इसके बाद इन स्टेट्स को रैंकिंग मिली है, उत्तराखंड के बाद उड़ीसा, देन आंध्र प्रदेश, देन मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश नहीं है ये, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र देन छत्तीसगढ़। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज बिल्ट बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। सो रिसेंटली न्यूज में रहा स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया है? सो द आंसर इज स्पेसएक्स। स्पेसएक्स का स्पेसक्राफ्ट है स्टारशिप। सो रिसेंटली न्यूज में इसलिए ना, क्योंकि स्पेस एक्स का जो ये स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट है, इसने अपनी फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट की है, दैट्स व्हाई ये न्यूज में रहा था। टेस्ट फ्लाइट सक्सेसफुल रही। ठीक है, एक रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट है ये, रीयूजेबल, और इसको डिजाइन किया गया मिशन जस्ट लाइक मार्स कॉलोनाइजेशन हो गया और लूनर लैंडिंग्स हो गया। तो लूनर लैंडिंग्स और मार्स कॉलोनाइजेशन, इन दो इवेंट्स के लिए रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट है स्टारशिप स्पेसएक्स का। इसकी टेस्ट फ्लाइट अभी सक्सेसफुली कंडक्ट करवाई गई, दैट्स व्हाई ये न्यूज में रहा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो हियर द नेक्स्ट इज पेमा खांडू रिसेंटली बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। सो रिसेंटली सीएम इलेक्ट हुई है पेमा खांडू, और किस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की? सो द आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। सो सीएम बने पेमा खांडू कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट इज विच कंट्री विल होस्ट मेन्स जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप इन 2025। सो 2025 में जो जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है, उसे कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है? सो द आंसर इज इंडिया। सो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने डिसाइड करा है कि इंडिया होस्ट करेगा 2025 का जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप, जो कि होने वाला है दिसंबर 2025 में। टोटल 24 टीम को फीचर करेगा ये वर्ल्ड कप। इसी के साथ अगर इंडिया की बात करें, जो उसका हिस्ट्री है हॉकी वर्ल्ड कप में, तो
टूर्नामेंट को होस्ट किया है 3 टाइम, ऑलरेडी 3 टाइम होस्ट कर चुका है, जिसमें से 2 टाइम विनर है कौन, इंडिया, फॉर मैंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 3 टाइम ऑलरेडी होस्ट कर चुका है. फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो हियर नेक्स्ट इज, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट. सो रिपोर्ट की बात हो रही है, रिपोर्ट का नाम क्या है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया. सो ये जो प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक करता है इसको. वर्ल्ड बैंक ने जून में 2024 में ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट को पब्लिश किया, जिसमें बताया जा रहा है इंडिया की ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो प्रेडिक्शन है, फॉरकास्ट है फॉर 24 एंड 25 फिस्कल ईयर, वो बताया जा रहा है 6.6%. ठीक है, इंक्रीज कर दिया है. पहले 6.4% बताया था जनवरी में, बट अब इन्होंने रिवाइज करके 6.6% का प्रेडिक्शन लगाया है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ का इस रिपोर्ट में, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट में. ठीक है, और इसी के साथ एक डेटा एनएसओ को आया था, 8.2% था इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फॉर द लास्ट फिस्कल ईयर 23-20. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो नेक्स्ट इज, व्हाट इज क्लोरेला सॉरी किनियाना रिसेंटली सीन इन दी न्यूज. सो ये जो टर्म है क्लोरेला सॉरी किनियाना रिसेंटली न्यूज में था, और क्या टर्म इंडिकेट कर रहा है ये. सो एक्चुअली एक माइक्रो एल्गे है ये. क्या है, माइक्रो एल्गे. सो रिसेंटली जो साइंटिस्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के, CSIR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, उन्होंने हाईलाइट किया है क्लोरा ग्रोथ फैक्टर को, जो कि डेवलप हो रहा है कहाँ से, माइक्रो एल्गे क्लोरेला सॉरी केनियाना से. दैट्स वाई ये न्यूज में रहा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो नेक्स्ट इज, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट द इंडिया जन औषधि स्कीम. सो इंडिया का जो प्लान है जन औषधि स्कीम, उसको अडॉप्ट करने वाला फर्स्ट कंट्री कौन बना है रिसेंटली. सो द आंसर इज मॉरिशस. सो मॉरिशस बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट द इंडिया जन औषधि स्कीम. सो जनरली जो एम है इस औषधि स्कीम का क्या है, अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन प्रोवाइड कराना है थ्रू प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र. इसके लिए जो केंद्र डेवलप किए गए हैं प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र, उनके द्वारा अफोर्डेबल रेट्स में जेनेरिक मेडिसिन को प्रोवाइड कराएगा, और मॉरिशस ने इस प्लान को लिया है, अडॉप्ट किया है. और इसी के साथ नेपाल में भी बात चल रही है इस प्लान को अप्लाई करने के लिए. लेट्स सी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो द नेक्स्ट इज, रिसेंटली विशाखापट्टनम पोर्ट हैज सिक्योर विच प्लेस इन द कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स. सो इंडेक्स आया है, इंडेक्स का नाम क्या है, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, और विशाखापट्टनम पोर्ट ने इसमें कौन सी रैंकिंग सिक्योर करी है. सो द आंसर इज 19th रैंक. ठीक है, सो रिसेंटली जो वर्ल्ड बैंक है, उन्होंने कोलैबोरेशन किया था किसके साथ, S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के साथ, और लॉन्च किया था कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स. तो जनरली वर्ल्ड बैंक ने ही कोलैबोरेशन के साथ इस इंडेक्स को लॉन्च किया है, जिसमें टोटल 405 ग्लोबल पोर्ट्स का डेटा लिया गया, और इसमें से विशाखापट्टनम ने अचीव करा है अ नोटेबल रैंकिंग ऑफ 19 इन दिस इंडेक्स. फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो अकॉर्डिंग टू अ ग्लोबल असेसमेंट ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड एंड टू अमिशन, विच कंट्री इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड. सो जो ग्लोबल असेसमेंट किया गया नाइट्रस ऑक्साइड का, अमिशन का, सो उसमें से वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड वो कौन है. सो फर्स्ट चाइना है, इंडिया फर्स्ट रैंकिंग पे नहीं है, बट सेकेंड रैंकिंग पर जो है वो है इंडिया. सो जो लार्जेस्ट अमिशन है N2O के नाइट्रस ऑक्साइड में, उसमें इंडिया स्टैंड करता है सेकेंड पोजिशन में, जिसमें ग्लोबल लेवल पर 11% का कंट्रीब्यूशन है केवल इंडिया का, और चाइना का है 16%. ठीक है, 2020 का डेटा है ये. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो रिसेंटली साइंटिस्ट फ्रॉम द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी हैव डिस्कवर्ड 3 न्यू क्रेटर्स ऑन विच प्लैनेट. सो इंडिया की जो साइंटिस्ट है कहाँ के फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, उन्होंने डिस्कवर करे 3 न्यू क्रेटर्स किस प्लैनेट पर डिस्कवर करे. सो अहमदाबाद के PRL लेबोरेटरी है ये,
अहमदाबाद के, और वहां के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने मार्स प्लैनेट पर 3 न्यू क्रेटर्स की रिसेंटली डिस्कवरी करी है। और ये जो तीनों क्रेटर है ये किसके नियर बाय है, विद इन द थार्सिस वॉल्केनिक रीजन। जो थार्सिस वॉल्केनिक रीजन है कहाँ पे, मार्स में, उसी के नियर बाय इन तीनों न्यू क्रेटर्स की डिस्कवरी करी है पीआरएल के रिसर्चर्स ने। और इनके जो नेम रखे गए हैं मार्स के, मार्स पर ये 3 न्यू क्रेटर्स के इंडियन नेम है, एक का नाम है लाल मुरसन सेकंड नेम, एंड द थर्ड नेम इज हिल्सा। सो लाल मुरसन हिल्सा ये 3 न्यू क्रेटर्स से जो रिसेंटली डिस्कवर किए गए कहा मार्स पे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट वन इज वॉल्खोव रिवर, विच वॉज सीन इन द न्यूज, इज लोकेटेड इन विच कंट्री। सो रिवर अभी न्यूज में रही, ड्राउनिंग के केसेस देखने को मिले, प्लस जो केसेस है वो इंडियन स्टूडेंट्स के हैं जो रशिया में स्टडी करने के लिए गए हुए हैं। सो इंडियन स्टूडेंट्स जो वॉल्खोव रिवर में डूबने से उनका निधन हो गया है, दैट्स वाई ये रिवर अभी न्यूज में रही थी। तो केस क्या रहा था कि 4 मेडिकल स्टूडेंट्स है फ्रॉम महाराष्ट्र से, और वो रशिया में स्टडी कर रहे थे, और ड्राउनिंग का केस आया है कौन से रिवर में, वॉल्खोव रिवर, जो कि नियर है सेंट पीटर्सबर्ग के और रशिया में। सो ये जो रिवर है ये रशिया में है, और ट्रेजिकली 4 मेडिकल स्टूडेंट्स की डेथ हो गई है डूब कर, जो कि इंडियन स्टूडेंट्स है इस रिवर पे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट वन इज अबू मूसा, ग्रेटर टूनब एंड लेसर टूनब आइलैंड रिसेंटली सीन इन न्यूज आर स्मॉल डिस्प्यूटेड आइलैंड बिटवीन विच टू कंट्रीज। सो जियो पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3 आइलैंड डिस्प्यूटेड एरिया आ गया है अगेन। सो ध्यान रखना डिस्प्यूटेड एरिया में ये तीनों आइलैंड भी आते हैं, अबू मूसा, ग्रेटर टूनब, लेसर टूनब आइलैंड, और किन दो कंट्रीज के बिटवीन है ये डिस्प्यूट। सो ये ईरान एंड यूएई के बिटवीन है, ठीक है। सो रिसेंटली ईरान ने बुलाया था चाइना के एम्बेसडर को ताकि एक प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर सके स्टेटमेंट के द्वारा, जो कि चाइना और यूएई ने अभी रिसेंटली दिया था यूएई की सॉवरनिटी के बारे में अबू मूसा, ग्रेटर टूनब और लेसर टूनब आइलैंड पर। सो एक्चुअली केस क्या हुआ था कि चाइना ने जो ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया था यूएई की सॉवरेनिटी का इन तीनों आइलैंड पर, उसी के लिए ईरान ने अभी चाइना के एम्बेसडर को बुलाया था, दैट्स व्हाई ये न्यूज में रहा था। जनरली आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों ईरान और यूएई के बिटवीन डिस्प्यूटेड आइलैंड है, और कहाँ पर है ये, जो स्ट्रेट है वो स्ट्रेट भी इंपॉर्टेंट हो गई। सो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में है ये तीनों आइलैंड, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द मोबाइल ऐप रिसेंटली लॉन्च बाय एनसीआरबी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू क्रिमिनल लॉज। सो एनसीआरबी ने एक न्यू मोबाइल ऐप रिसेंटली लॉन्च करा है ताकि न्यू क्रिमिनल लॉज का जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उसको प्रोवाइड किया जा सके। सो ये किया है, जो ऐप का नाम है वो क्या है, एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज। सो एनसीआरबी ने जो ऐप लॉन्च करा है, मोबाइल ऐप, टू प्रोवाइड कंप्रेहेंसिव इंफॉर्मेशन ऑन न्यू क्रिमिनल लॉज, ठीक है। और नेक्स्ट मंथ से ये ऐप इफेक्टिव होने वाला है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज नागास्त्र वन रिसेंटली सीन इन न्यूज। सो नागास्त्र वन की बात हो रही है, क्या है रिसेंटली न्यूज में रहा था। सो एक्चुअली नागास्त्र वन क्या है, मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन, ड्रोन की एक कैटेगरी है, रिसेंटली इंडियन आर्मी ने रिसीव करा है, दैट्स व्हाई ये न्यूज में रहा था। इसको डिजाइन किया गया स्पेशली टू टारगेट लॉन्च पैड्स, एनिमी कैंप्स। सो द नेक्स्ट वन इज विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड मनुयीर काथू मनुयीर कापू स्कीम टू इम्प्रूव सॉइल हेल्थ। सो ये जो स्कीम है जिसका नाम है मनुयीर काथू मनुयीर कापो, इस स्कीम को किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च करा है ताकि इम्प्रूव किया जा सके सॉइल हेल्थ को। सो द आंसर इज तमिलनाडु। सो रिसेंटली जो तमिलनाडु के सीएम है एम के स्टालिन, उन्होंने लॉन्च करा है इस स्कीम को, और ताकि प्रमोट किया जा सके सस्टेनेबल फार्मिंग को स्टेट में, और जो इसके लिए बजट आया है वो है ₹206 करोड़, ठीक है। सो ₹206 CR का बजट है टू इम्प्रूव सॉइल हेल्थ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट है तमिलनाडु की गवर्नमेंट का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट इज रिसेंटली हु वॉन द फिडे अंडर 20 गर्ल्स वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024। सो रिसेंटली जो अंडर 20 गर्ल्स वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप है 2024, उसे किसने वन किया। सो द आंसर इज दिव्या देशमुख।
सो प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया, दिव्या देशमुख ने जीता है फिडे अंडर 20 गर्ल्स वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024, और इस प्रकार जो इंटरनेशनल मास्टर है दिव्या देशमुख, उन्होंने जीत लिया 18 ईयर की एज में, और ये बिलोंग करती है नागपुर से। ठीक है, कहाँ पर हुआ था ये टूर्नामेंट? गांधीनगर गुजरात में हुआ था। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट इज रिसेंटली विच मिनिस्टर रिलीज द फर्स्ट ऑल इंडिया सर्वे ऑन आयुष? सो रिसेंटली फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑल इंडिया सर्वे ऑन आयुष किस मिनिस्टर ने इसको रिलीज कराया? सो द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। सो रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, उन्होंने रिलीज करा है फर्स्ट ऑल इंडिया सर्वे ऑन आयुष, जिसको कंडक्ट कराया था नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा जुलाई से जून 2023 तक, यानी जुलाई 2022 में स्टार्ट हुआ था एंड जून 2023 तक खत्म हुआ है, और इसकी जो रिपोर्ट है उसे पब्लिश कर दिया गया है, जिसमें जो की फाइंडिंग पॉइंट है उसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि 95% जो लोग रूरल से बिलोंग करते हैं और 96% जो अर्बन पॉपुलेशन है वो सब अवेयर है किससे? आयुष से। ठीक है, आयुष स्टैंड फॉर आयुर्वेदा योगा नेचुरोपैथी यूनानी सिद्धा सोवा रिक्वायर होम्योपैथी। ठीक है, सो कॉस्ट इफेक्टिव ऑफर करता है काफी सही प्राइस पे ट्रीटमेंट विथ नेग्लिजिबल साइड इफेक्ट आयुष स्कीम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रेट स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज? सो रिसेंटली जो न्यूज में था ग्रेट स्कीम, इसके प्राइमरीली जो ऑब्जेक्ट है क्या है? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टू डेवलप अ स्टार्टअप इकोसिस्टम इन टेक्निकल टेक्सटाइल। सो स्टार्टअप इकोसिस्टम को डेवलप करना है किसमें, कौन सा सेक्टर में? टेक्निकल टेक्सटाइल में। ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव है ग्रेट स्कीम का। फाइन, ग्रेट का जो फुल फॉर्म है ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली रिलीज गाइडलाइंस डिलिनेटिंग द यूज ऑफ आर्बिट्रेशन एंड मेडिटेशन इन डोमेस्टिक पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट? सो रिसेंटली किस मिनिस्ट्री ने हाल ही में घरेलू सार्वजनिक खरीद अनुबंधों में मध्यस्थ था और मध्यस्थता के उपयोग को रेखांकित करते हुए डायरेक्टिव लॉन्च करे है? सो ये स्टेप है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का स्टेप है ये। सो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इश्यू करे है गाइडलाइंस फॉर आर्बिट्रेशन एंड मेडिटेशन इन डोमेस्टिक पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ताकि स्ट्रीमलाइन किया जा सके डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को फॉर गवर्नमेंट एंटिटीज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। जेत कम पिलग्रिमेज सेंटर रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो रिसेंटली तीर्थ स्थल न्यूज में रहा जिसका नाम है जेत कम तीर्थ स्थल। सो किस स्टेट में लोकेटेड है ये? फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोकेटेड है छत्तीसगढ़ में, और सतनामी कम्युनिटी के लिए काफी इम्पोर्टेंस रखता है ये पिलग्रिमेज साइट जेत कम पिलग्रिमेज सेंटर। न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि रिसेंटली जो सतनामी कम्युनिटी है छत्तीसगढ़ की, उन्होंने वायलेंटली प्रोटेस्ट किया है। बिकॉज रीजन ये रहा कि रिसेंटली जो ये सेक्रेट सिंबल है जेत कम पिलग्रिमेज, जिसका डिसेक्रेशन का केस आया था, डिस्टॉर्ट का केस आया था, दैट्स वाई वहां पर वायलेंटली प्रोटेस्ट किया गया सतनामी कम्युनिटी के द्वारा, कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। सो एक्चुअली जो ये जेत कम पिलग्रिमेज है, ये टॉलेस्ट जेत कम है जो कि नियर है बालोडा बाजार के, कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास जी का बर्थ प्लेस है। फाइन, लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वन। सो दी नेक्स्ट इज, सो द बैड आउट आइलैंड रिसेंटली सीन इन न्यूज ड्यू टू साइक्लोन इल्सा इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सो हाल ही में जो साइक्लोन इल्सा के कारण खबरों में आया था आइलैंड, जिसका नाम क्या है? बैड आउट आइलैंड, ये कहाँ पर है, किस कंट्री में लोकेटेड है? सो दी आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में है आइलैंड बेड आउट आइलैंड। सो इफेक्ट हुआ है, ये इफेक्ट हो गया है किससे? साइक्लोन एल्सा से। साइक्लोन एल्सा जो कि एक 5 कैटेगरी का साइक्लोन है, रिसेंटली डिस्टॉर्ट कर दिया है बेड आउट आइलैंड को, जो कि लोकेटेड है कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया। और अप्रोक्सीमेट 80 to 90% जो सी बर्ड पॉपुलेशन है वो एक्सटिंक्ट हो गई है, खत्म हो गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ द साइक्लोन एल्सा, कहाँ पर? बेड आउट आइलैंड में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट इज रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइडेड ₹5 लाख फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर फैमिलीज ऑफ स्टेट रेजिडेंट्स हु डाइड इन द कुवैत फायर ट्रेजेडी। सो रिसेंटली कुवैत फायर जो ट्रेजेडी हुई है उसमें
स्टेट गवर्नमेंट ने 5 लाख रुपीज का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है ऐसी फैमिलीज के लिए जो वहां के रेजिडेंट्स थे एंड हु डाइड इन द कुवैत फायर ट्रेजेडी. सो द आंसर इज ये स्टेप है केरल गवर्नमेंट का. सो केरल गवर्नमेंट ने रिसेंटली ₹5 लाख का फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया है और प्लस जो इंजर्ड हुए हैं उनके लिए ₹1 लाख का असिस्टेंट दिया है केरल की गवर्नमेंट ने. ठीक है, 49 लाइफ्स की डेथ हुई है और 50 पीपल्स इंजर्ड हुए हैं जो कि बिलोंग करते हैं इंडिया से कुवैत फायर ट्रेजेडी में. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो द नेक्स्ट इज इन अ मेजर एडवांसमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर जम्मू एंड कश्मीर हैज ब्रॉडेंड इट्स एग्जिस्टिंग मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन विथ विच कंट्री. सो रिसेंटली एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बड़ी प्रगति में जम्मू कश्मीर ने किस देश के साथ अपना जो रीसेंट वाला एमओसी है उसको व्यापक बनाया है, ब्रॉड बनाया है. सो द आंसर इज न्यूजीलैंड. सो जम्मू कश्मीर ने एक्सपेंड करा है इनकी पार्टनरशिप को किसके साथ, न्यूजीलैंड के साथ, इनटू अ स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट जो कि रिलेटेड है किस फील्ड से, एग्रीकल्चर सेक्टर से. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो द नेक्स्ट वन इज रिसेंटली द WHO हैज डेजिग्नेटेड विच मेडिकल इंस्टीट्यूट एज द WHO कोलाबरेटिंग सेंटर CC फॉर फंडामेंटल एंड लिटररी रिसर्च इन ट्रेडिशनल मेडिसिन. सो हाल ही में WHO ने किस मेडिकल इंस्टीट्यूट को बनाया है अपना कोलाबरेटिंग सेंटर फॉर फंडामेंटल एंड लिटररी रिसर्च इन ट्रेडिशनल मेडिसिन. सो द आंसर इज हैदराबाद का इंस्टीट्यूट है ये मेडिकल इंस्टीट्यूट. सो NIMH को बनाया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज. फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो द नेक्स्ट वन इज रिसेंटली सिरिल रामफोसा हैज बिन री इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री. सो री इलेक्ट हुए ये, दोबारा बने हैं एज द प्रेजिडेंट और किस कंट्री के बने हैं. सो साउथ अफ्रीका के री इलेक्ट हुए सिरिल रामफोसा. सो द आंसर इज साउथ अफ्रीका. सिरिल रामफोसा दोबारा प्रेजिडेंट बने हैं कहाँ के, साउथ अफ्रीका के. इनका सेकेंड टर्म है ये. सो द नेक्स्ट वन इज विच ऑर्गेनाइजेशन एंड संसद टीवी रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट टू मेक इंडियन आर्ट एंड कल्चर मोर एक्सेसिबल टू द पीपल. सो रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन एंड संसद टीवी ने साइन करा एक एग्रीमेंट ताकि इंडियन आर्ट एंड कल्चर को मोर एक्सेसिबल बनाया जा सके लोगों के लिए. सो इसको बनाया है रिसेंटली जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, द आंसर इज इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर दी आर्ट्स. सो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर दी आर्ट्स ने और संसद टीवी ने साइन करा है एग्रीमेंट ताकि इंडियन आर्ट एंड कल्चर को लोगों तक पहुंचाया जा सके, मोर एक्सेसिबल बनाया जा सके. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो द नेक्स्ट वन इज विच कंट्री होस्टेड द 15th G7 लीडर्स समिट. सो G7 लीडर समिट का अभी 15th एडिशन हुआ और किस कंट्री ने होस्ट किया. सो द आंसर इज इटली. इटली ने होस्ट किया 15th G7 लीडर समिट. न्यूज में इसलिए भी रहा क्योंकि रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उन्होंने भी अटेंड किया G7 आउटरीच सेशन. कहाँ पर हुआ था ये, बोर्गो इग्नाजिया में जो कि इटली में है. लोकेशन इसकी बोर्गो है, इग्नाजिया कहाँ पे, इटली में. और यही से मैसेज आया था हैशटैग टीम मेलोडी का जो अभी न्यूज में रहा था. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो द नेक्स्ट वन इज रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ 3-स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट इन एक्वेस्ट्रेन. सो एक्वेस्ट्रेन यानी घुड़सवार में 3-स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट में फर्स्ट इंडियन टू विन. सो द आंसर इज श्रुति वोरा, प्राउड वुमेन फॉर इंडिया. श्रुति वोरा जो कि बिलोंग करती है कोलकाता से, फर्स्ट इंडियन बन चुकी है जिन्होंने जीता है 3-स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट इन इक्वेस्ट्रेन घुड़सवार में. इनकी एज है 53 ईयर ओल्ड. सो 53 ईयर ओल्ड फ्रॉम कोलकाता बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ 3-स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट इन इक्वेस्ट्रेन. फाइन, और इसी के साथ जो श्रुति वोरा है उन्होंने इंडिया को प्रीवियसली रिप्रेजेंट करा है 2020-20 के ड्रेसेस वर्ल्ड चैंपियनशिप में और 2010 एंड 2014 के एशियन गेम्स में. ठीक है, यहाँ पर भी इंडिया को ये रिप्रेजेंट कर चुकी है. और ये जो इवेंट हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, स्लोवेनिया में हुआ था, स्लोवेनिया लिपिका में 7th of June को. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज ओलंपस मॉन्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज. सो ओलंपस मॉन्स इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं क्या है ये. सो अश्लील वोल्केनो ऑन मार्स, ये सबसे बड़ा वोल्केनो है कहाँ पर, मार्स में.
प्लस होल कंप्लीट सोलर सिस्टम में जो सबसे बड़ा वोल्केनो है वो ओलंपस मॉन्स ही है, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है, मार्स पे है। सो टॉलेस्ट वोल्केनो ओलंपस मॉन्स पे रिसेंटली साइंटिस्ट ने डिस्कवरी करी है फ्रॉस्ट की। फ्रॉस्ट यानी फ्रीज एनवायरमेंट, ठंडा एनवायरमेंट। सो इससे बताया जा रहा है कि इस एरिए में एक्टिव वाटर साइकिल है, एक्टिव वाटर साइकिल ये सामने आया है, दैट्स व्हाई ये न्यूज में रहा। इसी के साथ ओलंपस मॉन्स की लेंथ के बारे में बात की जाए, हाइट के बारे में, सो ये 3 टाइम टॉलर है माउंट एवरेस्ट से भी, 3 टाइम टॉलर देन माउंट एवरेस्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन रिसेंटली सीन इन द न्यूज वॉज एस्टेब्लिश इन विच केस बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किस केस में इस डॉक्ट्रिन को स्टार्ट किया था, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन? सो द आंसर इज बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980। सो 1980 का जो केस था बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिए थे रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन के लिए। और रिसेंटली न्यूज में इसलिए रहा ये डॉक्ट्रिन क्योंकि जो प्रेसिडेंट मुर्मू है उन्होंने रिजेक्ट करी है पिटिशन को जो लगाया था किसने, पाकिस्तानी नेशनल मोहम्मद आरिफ ने, और इनका हाथ बताया गया था 2000 के रेड फोर्ट अटैक में। और असाइलम के लिए इन्होंने अभी पेटिशन लगाया था प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के सामने, बट उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। दैट्स वाई ये डॉक्ट्रिन अभी रिसेंटली न्यूज में रही थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिए थे 1980 में बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट वन इज खीर भवानी टेम्पल रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी? सो खीर भवानी टेम्पल की बात की जा रही है किस स्टेट में है? सो द आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में स्टेट सिचुएटेड है ये टेम्पल, खीर भवानी टेम्पल। रिसेंटली न्यूज में इसलिए रहा था क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ कश्मीरी पंडित की गैदरिंग हुई थी यहाँ पर एट दी खीर भवानी टेम्पल। और जो फेस्टिवल था इनका एनुअल ज्येष्ठ अष्टमी फेस्टिवल, इसी कारण इनकी गैदरिंग हुई थी ज्येष्ठ अष्टमी फेस्टिवल, दैट्स वाई ये न्यूज में रहा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट वन इज रिसेंटली द एपीडा हैज फैसिलिटेटेड द सक्सेसफुल एक्सपोर्ट ऑफ द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ एमडी टू वेराइटी पाइनएप्पल्स टू विच कंट्री? सो हाल ही में एपीडा ने एमडी टू किस्म के अनानास की, पाइनएप्पल्स की पहली खेप को किस देश को सफलतापूर्वक एक्सपोर्ट किया है? सो द आंसर इज यूएई। सो यूएई के साथ एक्सपोर्ट किया है एपीडा यानी द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द मिशन निश्चय? सो किस स्टेट गवर्नमेंट ने इस मिशन को लॉन्च करा है जिसका नाम है मिशन निश्चय? सो ये इनिशिएटिव है पंजाब की गवर्नमेंट का। सो द आंसर इज पंजाब गवर्नमेंट। सो पंजाब की जो पुलिस है, पंजाब पुलिस, उन्होंने रिसेंटली कोलाबरेशन किया है बीएसएफ के साथ एंड वीडीसीज के साथ, और इसी के साथ एक 1 वीक का कैंपेन चलाया है फॉर एंटी ड्रग कैंपेन, जो 1 वीक कैंपेन है एंटी ड्रग कैंपेन, और उसी को नाम दिया गया मिशन निश्चय। सो सिंपली यू हैव टू रिमेम्बर कि मिशन निश्चय क्या है, एक एंटी ड्रग कैंपेन है जो पंजाब पुलिस ने चलाया बीएसएफ और वीडीसीज के साथ मिलकर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट इज विच कंट्री विल होस्ट द मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 इन अगस्त? सो अगस्त में जो एडिशन होने वाला है तरंग शक्ति का, कौन सा कंट्री उसे होस्ट करेगा, जो कि एक मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज है? सो इंडिया होस्ट करने वाला है, इंडियन एयरफोर्स विल होस्ट, इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है ये फर्स्ट मल्टी नेशनल एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 इन अगस्त, ठीक है, अगस्त में होगा। और अराउंड 10 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, स्पेन, यूएई, यूके एंड यूएस, ठीक है, आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट इज सो व्हाट इज एडीज एल्बोपेक्टस रिसेंटली सीन इन द न्यूज? सो न्यूज में रहा एडीज एल्बोपेक्टस क्या है, एडीज से ही हम बता सकते हैं, आंसर इज मस्क्यूटो, मस्क्यूटो है ये। सो द नेक्स्ट वन इज पलामू टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो टाइगर रिजर्व न्यूज में रहा पलामू टाइगर रिजर्व, उन 9 टाइगर रिजर्व में से एक है ये, जो कि पार्ट है प्रोजेक्ट टाइगर का।
सो प्रोजेक्ट टाइगर के कारण ही ये न्यूज में रहा था। और कहाँ पर लोकेटेड है ये? सो इसकी लोकेशन है झारखंड में, है झारखंड में है पलामू टाइगर रिजर्व। सो एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं यहाँ पर अभी फिलहाल टू टाइग्रेस एंड वन टाइगर को रिलोकेट करने का, ताकि जो पलामू टाइगर रिजर्व की पॉपुलेशन थी 4 टाइगर की, उसको रिटेन किया जा सके। दैट्स वाई ये न्यूज में था। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वन। सो रिसेंटली वेयर वॉज दी स्विस स्पेस समिट हेल्ड? सो रिसेंटली जो स्विस शांति शिखर सम्मेलन हुआ था, स्विस स्पेस समिट, ये कहाँ पे हुआ था? सो ये हुआ था स्विट्जरलैंड में हुआ था। 2 डे समिट थी, द 2 डे समिट ऑन पीस इन यूक्रेन। सो यूक्रेन के लिए डेडिकेटेड थी पीस इन यूक्रेन, और इसके लिए जो समिट हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? स्विट्जरलैंड में हुई थी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड अ न्यू टूल टू प्रेडिक्ट द एमरजेंसी ऑफ अल नीनो एंड ला नीना कंडीशन? सो रिसेंटली किन ऑर्गेनाइजेशन ने अल नीनो और अल नीना, ला नीना, सॉरी इट्स ला नीना, ला नीना स्थितियों की उभरने की प्रडिक्शन करने के लिए जो न्यू टूल है वो डेवलप करे हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने? सो द आंसर इज इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। सो इंडियन नेशनल सेंटर ने डेवलप करे हैं नए टूल, ताकि प्रडिक्शन लगाया जा सके एमरजेंसी कंडीशंस की, जो कि अलिनो और ला लीना से क्रिएट हो सकती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रिसेंटली साइन एन एमओयू विथ विच बैंक ऑफ डिजिटल पेमेंट सर्विसेज ऑन ई माइग्रेट पोर्टल? सो रिसेंटली जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, उन्होंने साइन करा है ये एमओयू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ताकि इंटीग्रेट किया जा सके SBI ई पे को विद द ई माइग्रेट पोर्टल। यानी SBI का जो प्लेटफॉर्म है ई पे, उसको माइग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना है किसके साथ? ई माइग्रेट पोर्टल के साथ। और इसी के लिए ये एमओयू साइन हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के बिटवीन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द एनवायरमेंटल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024? सो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंकिंग क्या रही है इस बार? सो इस बार इंडिया की रैंकिंग है 176, लास्ट ईयर 180 थी, इस बार इम्प्रूवमेंट हुआ है, 176 की रैंकिंग पर आया है इंडिया इस परफॉर्मेंस इंडेक्स में, ठीक है। और टोटल जो कंट्रीज पार्टिसिपेट किया था, 180 नेशन ने ही पार्टिसिपेट किया था, और 180 नेशन में से 176 रैंक पर इंडिया आया है EPI इंडेक्स में, और 2022 में जो रैंक थी वो 180 थी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज इंडियन रेलवे रिसेंटली ऑपरेटेड द फर्स्ट ट्रायल ट्रेन फ्रॉम संगलदान टू रियासी, क्रॉसिंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज ऑन विच रिवर? सो रिसेंटली इंडियन रेलवे ने अपना ट्रायल करा है, फर्स्ट ट्रायल ट्रेन कहा फ्रॉम संगलदान टू रियासी, और इस प्रकार क्रॉस किया गया है वर्ल्ड के हाईएस्ट रेल ब्रिज को, और इसी से ये जो ट्रायल है सक्सेसफुल हुआ है। सो ये जो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज है, ये किस रिवर पर लोकेटेड है, ये क्वेश्चन है। सो वर्ल्ड का जो हाईएस्ट रेल ब्रिज है उसका नाम क्या है? चेनाब ब्रिज, द चेनाब ब्रिज, और चेनाब रिवर पर ही लोकेटेड है जम्मू कश्मीर में। और इस ट्रायल में, ये जो फर्स्ट ट्रायल ट्रेन हुआ है, इसमें से ट्रेन चेनाब ब्रिज से गुजरी है, और इस प्रकार ये मिशन क्या हुआ है, सक्सेसफुल है, सिग्निफिकेंट इंजीनियरिंग अचीवमेंट को बता रहा है जो कि। और इंडियन रेलवे, 359 मीटर इसकी लेंथ है, और वर्ल्ड का टॉलेस्ट हाईएस्ट रेल ब्रिज है ये। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो रिसेंटली वेयर वॉज द सेकेंड एडिशन ऑफ एक्स रेड फ्लैग 2024 हेल्ड? सो सेकेंड एडिशन हुआ रिसेंटली एक्स रेड फ्लैग 2024 का, और कहाँ पर हुआ ये, किस एयरबेस में हुआ? सो द आंसर इज आइल्सन एयरफोर्स बेस, अलास्का। सो द नेक्स्ट वन इज रिसेंटली विच रेगुलेटरी बॉडी हैज बीन अवार्डेड द रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 बाय सेंट्रल बैंकिंग लंडन यूके? सो सेंट्रल बैंकिंग लंडन यूके ने अवार्ड दिया है, अवार्ड का नाम है रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024, और ये किस रेगुलेटरी बॉडी को जाता है? सो ये गया है इंडिया से RBI को गया है। सो ये दिया गया है 2024 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसीव करा है रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड फ्रॉम सेंट्रल बैंकिंग इन लंदन। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट वन इज गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो न्यूज में रही ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में लोकेटेड है? सो द आंसर इज मध्य प्रदेश में है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो न्यूज में इसलिए रहे क्योंकि रिसेंटली मध्य प्रदेश ने फाइनलाइज करा है
प्रिपरेशन को कि उन्हें रीइंट्रोड्यूस करना है चीता को कहाँ पर, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और इंडिया को बनाना है सेकंड चीता हैबिटेट आफ्टर कूनो नेशनल पार्क। सो कूनो नेशनल पार्क के बाद अब जो प्रिपरेशन स्टार्ट की गई है रिलोकेट करने के लिए, रीइंट्रोड्यूस करने के लिए किस चीज को, चीता को, प्रोजेक्ट चीता। सो ये किया जाएगा अब गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। रिसेंटली विच स्टेट हैज वन द अवार्ड फॉर मैक्सिमम विंड पावर इंस्टॉल कैपेसिटी। सो रिसेंटली किस स्टेट को ये अवार्ड दिया गया है फॉर मैक्सिमम विंड पावर इंस्टॉल कैपेसिटी? सो ये गया है गुजरात को, द ग्रीन पावर हब गुजरात, उन्होंने जीता है अवार्ड फॉर मैक्सिमम विंड पावर इंस्टॉल कैपेसिटी, फर्स्ट रैंक इन्हें मिली है। फाइन, सो गुजरात ने तमिलनाडु को भी सरप्रास कर दिया है विद 11,823 मेगावाट ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी बाय मई 2024। सो ये इनकी कैपेसिटी जो कि तमिलनाडु से भी ज्यादा है, तो फर्स्ट नंबर पे गुजरात है, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु है। तमिलनाडु की जो कैपेसिटी है वो 10,743 मेगावाट है। इसके बाद कर्नाटका आता है, कर्नाटका की है 6,312 मेगावाट विंड पावर इंस्टॉल कैपेसिटी। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज बर्फ टैक्स, रिसेंटली सीन इन द न्यूज, वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच कंट्री? सो एक अजीब सा टैक्स न्यूज में रहा था, बर्फ टैक्स, और किसने इसको इंट्रोड्यूस करा, कंट्री? सो द आंसर इज न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने इस टैक्स को इंट्रोड्यूस करा। एक्चुअली न्यूजीलैंड का एम तो है कि ग्रीन गैसेस के अमिशन को कम करना, ग्रीन गैस के अमिशन को कम करने के लिए, और टारगेट किया गया र्यूमिनेंट्स को, र्यूमिनेंट एनिमल्स को न्यूजीलैंड में। सो इस बर्फ टैक्स के दौरान क्या किया जाएगा कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिट करती है लाइव स्टॉक से, स्पेसिफिकली मिथेन एमिशन फ्रॉम र्यूमिनेंट एनिमल्स हो गए, जस्ट लाइक काउ हो गया, शिप हो गया, जो कि बर्फिंग के दौरान ग्रीन हाउस गैस एमिट करती है, तो उसके लिए एक प्राइमरी गोल को सिस्टम में लाया गया न्यूजीलैंड में, ताकि रिड्यूस किया जा सके मिथेन के एमिशन को फ्रॉम दीज एनिमल। बट नाउ डेज ये जो टैक्स है, न्यूजीलैंड ने इसको खत्म कर दिया है। स्क्रैपिंग का भी न्यूज आया था, स्क्रैपिंग ऑफ दिस टैक्स। फाइन, सो रिसेंटली ये टैक्स बैन भी हो गया है, और इंट्रोड्यूस होते ही बैन हो गया था, 2022 में इन्होंने स्टार्ट किया था बर्फ टैक्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज विच कंट्री साइंटिस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड न्यू पैटर्न ऑफ सोलर एटमोस्फेरिक रोटेशन बाय यूजिंग चेज टेलीस्कोप? सो रिसेंटली किस कंट्री के साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा है न्यू पैटर्न ऑफ सोलर एटमोस्फेरिक रोटेशन चेज टेलीस्कोप को यूज करके? सो ये जो चेज टेलीस्कोप को यूज किया गया, ये चाइना ने यूज किया। सो चाइनीज साइंटिस्ट है, उन्होंने चेज टेलीस्कोप को यूज करके डिस्कवर किया है न्यू पैटर्न इन द सन्स एटमोस्फेरिक रोटेशन, और एक 3D पिक्चर भी इन्होंने प्रोवाइड करी है, एक्यूरेट 3D पिक्चर ऑफ दिस इवेंट। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। रिसेंटली वेयर वॉज द सेकेंड एनुअल मीटिंग ऑफ द इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज बिटवीन इंडिया एंड यूएस हेल्ड? सो रिसेंटली जो सेकेंड एनुअल मीटिंग हुई है, सेकेंड एनुअल मीटिंग हुई है किस पर? इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इंडिया और यूएस के बिटवीन हुई है, और कहाँ पर हुई? न्यू दिल्ली में हुई। ठीक है, सेकेंड एडिशन था इसका, सेकेंड इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी 17 जून को हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था, और इंडियन जो एनएसए है अजीत डोवाल, उन्होंने को चेयर किया था। ठीक है, यूएस के जैक सुलिवन के साथ, एनएसए जो यूएस के एनएसए है जैक सुलिवन, उनके साथ को चेयर किया था इंडिया के एनएसए अजीत डोवाल ने। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज वाज लॉन्च्ड अंडर विच इनिशिएटिव? सो डिजिटल हेल्थ स्कीम की बात हो रही है, हेल्थ इनिशिएटिव स्कीम, इसको लॉन्च किया गया था, किस इनिशिएटिव के तहत इसको लॉन्च किया गया था? सो जो इनिशिएटिव था वो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक्सटेंड किया है डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम को फॉर डिजिटलाइज पेशेंट्स हेल्थ रिकॉर्ड, यानी पेशेंट्स के हेल्थ के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने के लिए डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम को एक्सपेंड किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो कि किसके अंडर थी? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज
Next one is joint communique on a peace framework recently seen in news in the context of which two countries? So, किन दो कंट्रीज के बिटवीन ये पीस फ्रेमवर्क है? सो ऑब्वियसली अभी ये जो पीस फ्रेमवर्क है ज्वाइंट कम्युनिके रशिया और यूक्रेन के बिटवीन है. फाइन, जो पीस प्रपोजल है उसके लिए फ्रेमवर्क ज्वाइंट कम्युनिके ऑन अ पीस फ्रेमवर्क बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन. नेक्स्ट वन इज मंगा फ्रीजन रिसेंटली सीन इन द न्यूज ड्यू टू अ फायर इंसिडेंट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सो रिसेंटली कुवैत फायर ट्रेजिडी हुई थी. सो जिस रीजन था पर्टिकुलर रीजन कुवैत में वो था मंगाफ रीजन. वहां पर ही फायर इंसिडेंट हुआ था जो कि कहाँ पर है? कुवैत में है. और यहाँ पर जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स थे जिनकी डेथ हुई थी, अप्रोक्स 49 का डेटा आया था, प्लस 50+ लोग इंजर्ड हुए थे जिनके लिए केरल की गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल असिस्टेंट भी अनाउंस किया था. और इसी के साथ एक सिस्टम इस क्वेश्चन के साथ न्यूज में आया था, जो सिस्टम था कफाला सिस्टम, द कफाला सिस्टम, ये पता होना चाहिए, द कफाला सिस्टम. ये कफाला सिस्टम जनरली गल्फ कंट्रीज में ही होता है, जीसीसी, जो गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज है, जीसीसी, उनमें ही ये कफाला सिस्टम चलता है. इसके अंदर होता है क्या है कि जो माइग्रेंट्स है, माइग्रेंट वर्कर्स है, माइग्रेंट वर्कर्स, उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका वीजा, उनका रेजाइड, ये सारे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसके पास होती है? एम्प्लॉयर के पास होती है. और एम्प्लॉयर काफी बार इन केसेस में एक्सप्लॉइट करता पाया गया है माइग्रेंट वर्कर्स का. एंड दैट केस दैट सिस्टम इज द कफाला सिस्टम, जो कि माइग्रेंट वर्कर्स के लिए है गल्फ कंट्रीज में. और उसी का चर्चा भी रहा था इस फायर ट्रेजेडी में. लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वन. सो विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड द 46th एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग ATCM? सो किस कंट्री ने होस्ट किया 46th एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग ATCM? सो इंडिया ने होस्ट किया है इसको, 46th एडिशन रहा. सो द आंसर इज इंडिया. इंडिया होस्टेड द 46th एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग कहाँ पर? कोची में. ठीक है. और इसी के साथ इन्होंने अनाउंस किया था इनका जो मैत्री रिसर्च बेस है इसका सक्सेसर मैत्री सेकेंड. ठीक है, मैत्री रिसर्च बेस का सक्सेसर मैत्री सेकेंड को इंट्रोड्यूस किया, अनाउंस किया इस अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग में इंडिया के द्वारा. फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज विच टू मिनिस्ट्रीज साइन अ MOU ऑन कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम रिसेंटली सीन इन न्यूज? सो रिसेंटली न्यूज में रहा था KSCP, जो कि कृषि सखी एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड एक प्रोग्राम है. और इसके लिए MOU साइन करा किन दो मिनिस्ट्रीज ने? सो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री तो रहेगी रहेगी. सो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. ठीक है. सो ये इन दोनों मिनिस्ट्रीज से मिलकर MOU साइन करा ऑन कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम. नेक्स्ट वन इज विच कंपनी पार्टनर्ड विद तमिलनाडु टू प्रोवाइड IT स्किल्स ट्रेनिंग टू ओवर 2 लाख स्टूडेंट्स इन द स्टेट अंडर नान मुदलवान प्रोग्राम? ठीक है. सो तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट का प्रोग्राम है नान मुदलवान प्रोग्राम. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये किस गवर्नमेंट का है? तमिलनाडु गवर्नमेंट का है. सो इसके तहत क्या किया जाएगा कि स्टूडेंट्स को तकरीबन 2 लाख स्टूडेंट्स को IT स्किल्स के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी. और इसके लिए एक कंपनी ने तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करी है. और कंपनी का नाम आपसे पूछा जा रहा है. सो द आंसर इज ओरेकल. सो ओरेकल रिसेंटली पार्टनर किया है तमिलनाडु के साथ इस स्कीम के तहत. प्रोग्राम के तहत 2 लाख+ स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाएगा IT स्किल्स पे, जस्ट लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, AI हो गया, डेटा साइंस हो गया, ML हो गया, ब्लॉकचेन हो गया. फाइन, नेक्स्ट वन इज विच सिटी होस्टेड द कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियाज प्रोग्रेसिव पाथ इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम? सो किस सिटी ने होस्ट किया कॉन्फ्रेंस किस पे? इंडियाज प्रोग्रेसिव पाथ इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. कोलकाता सिटी ने इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया है. फाइन, नेक्स्ट वन इज रिसेंटली विच कंट्री साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ न्यू टाइप ऑफ सस्टेनेबल प्रोटीन अमीटी राइस? अमीटी राइस जिसमें बीफ को यूज किया जाता है, किस कंट्री के साइंटिस्ट ने डेवलप करा है? सो द आंसर इज जापान. सो जापान ने ये इंट्रोड्यूस करा है फॉर देयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीटी राइस, प्रोटीन को फुलफिल करने के लिए प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है जापानीज को, जिसमें बीफ को यूज किया जाता है, दैट इसको इंट्रोड्यूस किया है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. रिसेंटली हु हैज मेड हिस्ट्री एज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द प्रेस्टिजियस नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? सो प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है फर्स्ट
फर्स्ट इंडियन है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन. और किन्हें मिला है? सो द आंसर इज विनोद गानत्रा. सो विनोद गानत्रा को मिला है रिसेंटली नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. जो विनोद गानत्रा है एक प्रोमिनेंट चिल्ड्रंस फिल्म मेकर है फ्रॉम इंडिया, उनको ऑनर किया गया है साउथ अफ्रीका के प्रेस्टिजियस नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को सिनेमा के लिए. फाइन. और इस प्रकार वो फर्स्ट इंडियन बन जाते हैं इस अवार्ड को लेने वाले. और इस बार जो एडिशन था वो 7th नेल्सन मंडेला चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल था. फाइन. उसी दौरान उनको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड सिकल डे 2024? सो वर्ल्ड सिकल डे 2024 की थीम की बात की जा रही है. कब सेलिब्रेट किया गया था, याद है आप लोगों को? 19 जून को किया गया था. और थीम रही थी होप थ्रू प्रोग्रेस एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो द नेक्स्ट वन इज नालंदा यूनिवर्सिटी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट. सो नालंदा यूनिवर्सिटी वी ऑल नो कहाँ पर है? बिहार में है. न्यूज में इसलिए ना क्योंकि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस नियर दी एंशियंट रूइंस इन राजगीर बिहार. ठीक है, जो पुराने अवशेष है इन राजगीर बिहार उसी के नियर बाय न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस का इनोग्रेशन किया गया बाय पीएम मोदी. दैट्स व्हाई ये न्यूज में रहा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री टू रिकोगनाइज सेम सेक्स मैरिज? सो फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री की बात की जा रही है जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया है सेम सेक्स मैरिज को. सो द आंसर इज थाईलैंड. थाईलैंड बिकेम द फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री टू डू दैट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो द नेक्स्ट वन इज गोडबंदर फोर्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो गोडबंदर फोर्ट ये है महाराष्ट्र में. कहाँ पर? महाराष्ट्र में है. न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे रेस्टोरेशन वर्क चल रहा था, रेस्टोरेशन वर्क, और उसी दौरान यहाँ पर मिला एक हिडन चैम्बर. हिडन चैम्बर मिला है कहाँ पर? गोडबंदर फोर्ट जो कि लोकेटेड है थाने महाराष्ट्र में. हिडन चैम्बर वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड बीनीथ द इनर लेयर ऑफ गोडबंदर फोर्ट. यानी इनर लेयर्स में मिला है हिडन चैम्बर. यहाँ पर रिसेंट इसको बनाया किसने था? पोर्टुग्यूज ने बनाया था. पोर्टुग्यूज बिल्ट बाय द पोर्टुग्यूज 1730 की बात है ये. बाद में इस पर मराठास का देन ब्रिटिश का रूल हो गया था. और जनरली इस गोडबंदर फोर्ट को यूज किया जाता था फॉर हॉर्स ट्रेनिंग. फाइन. दैट्स व्हाई ये न्यूज में रहा. ट्रेडिंग के लिए यूज किया जाता था हॉर्स ट्रेडिंग. सो सिंपली गोडबंदर फोर्ट महाराष्ट्र में हिडन चैम्बर मिला है रेस्टोरेशन वर्क के दौरान. दैट्स व्हाई ये न्यूज में रहा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो हियर द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज ऑफिचितस सुयोआई रिसेंटली नीन इन द न्यूज रिसेंटली सीन इन न्यूज? सो ये जो टर्म है ऑफिचथस सुयोआई ये क्या है जो कि न्यूज में था रिसेंटली? सो एक्चुअली एक न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज है ये स्नेक ईल की. स्नेक ईल की स्पीशीज है ये. नाम क्या है? ऑफिचथस सुयोआई. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. रिसेंटली हु वाज अवार्डेड द साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार फॉर तेलुगु? सो तेलुगु के लिए रिसेंटली साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार ये किसे दिया गया? साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार. सो ये दिया गया है रमेश कार्तिक नायक को दिया गया है. द आंसर इज रमेश कार्तिक नायक, अ 20-year-old राइटर फ्रॉम विवेक नगर निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट. फाइन. सो इन्हें रिसेंटली मिला है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार फॉर तेलुगु लिटरेचर. और ये जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार ये स्टार्ट किया गया था 2011 से स्टार्ट किया गया था. 50,000 रुपीज का चेक दिया जाता है, शॉल दिया जाता है विद साइटेशन एंड अ प्लेक. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज ट्रूनेट प्लेटफॉर्म रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच डिजीज? सो ट्रूनेट प्लेटफॉर्म की बात की जा रही है किस डिजीज से एसोसिएटेड है? सो द आंसर इज टीबी से एसोसिएटेड है. ये जो प्लेटफॉर्म है ये टीबी के डायग्नोसिस के लिए है और रिसेंटली न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि इंडिया का जो ये ट्रूनेट टीबी डायग्नोस्टिक प्लेटफॉर्म है इससे इम्प्रेस हुआ है कौन? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली. दैट्स वाई ये न्यूज में रहा था. 2017 में इसको लॉन्च किया गया था और इसको डेवलप किया था किसने? मोलबायो ने डेवलप किया था. फाइन. टीबी के डिफरेंट टाइप के डायग्नोसिस के लिए एक पोर्टेबल माइक्रो पीसीआर सिस्टम है ये ट्रूनेट प्लेटफॉर्म और अक्रॉस इंडिया में इसे वाइडली डिप्लॉय किया जा चुका है. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो द नेक्स्ट इज
Siniha Island, recently seen in news due to ancient city Tuam, is located in which country? So हाल ही में जो ancient city है तुआम के कारण खबरों में रहा सीनिया आइलैंड, ये कहाँ पर है, किस देश में है? सो द आंसर इज यूएई. यूएई में लोकेटेड है ये आइलैंड, सीनिया आइलैंड, जो कि न्यूज में था जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एंशियंट सिटी तुआम. नेक्स्ट वन इज, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड वेवर ऑफ फार्म लोन्स अप टू 2 लाख रुपीज टू प्रोवाइड रिलीफ टू ओवर 1.91 लाख फार्मर्स इन द स्टेट. सो रिसेंटली किस गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है लोन अप टू 2 लाख, ताकि रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके ओवर 1.91 लाख फार्मर्स इन द स्टेट. सो ये जो इनिशिएटिव है ये झारखंड की गवर्नमेंट का है, ठीक है? झारखंड की गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है अ फार्म लोन वेवर अप टू 2 लाख रुपीज, ठीक है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द जॉइंट डॉक्ट्रिन फॉर साइबर स्पेस ऑपरेशंस रिसेंटली रिलीज्ड बाय सीडीएस. सो रिसेंटली सीडीएस ने जो जॉइंट डॉक्ट्रिन फॉर साइबर स्पेस ऑपरेशन रिलीज करे, उसका मेन फोकस क्या है? सो मेन फोकस है मिलिट्री एस्पेक्ट्स ऑफ साइबर स्पेस ऑपरेशन, ठीक है? मिलिट्री एस्पेक्ट्स को एम्फसाइज करना, गाइडेंस प्रोवाइड कराना कमांडर्स को एंड स्टाफ को, और बेसिकली जो एम है, जो मेन एम है वो क्या है कि साइबर स्पेस ऑपरेशन के एग्जीक्यूट करते वक्त जो वॉर फाइटर है उनके बिटवीन अवेयरनेस को एनहेंस करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है ज्वाइंट डॉक्ट्रिन फॉर साइबर स्पेस ऑपरेशन का. वॉर फाइटर्स के बिटवीन अवेयरनेस को एनहेंस करना किसके लिए? साइबर स्पेस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट. सो काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट न्यूज में था, किस स्टेट से एसोसिएटेड है ये? सो उत्तर प्रदेश से एसोसिएटेड है, वी ऑल नो उत्तर प्रदेश में है ये. सो रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर की विजिट हुई थी वाराणसी में, और इस प्रकार मार्क किया उन्होंने उनका फर्स्ट सिंस अज्यूमिंग ऑफिस फॉर द थर्ड टाइम, ठीक है? सो तीसरी बार पीएम बनने के बाद उनकी जो फर्स्ट मीटिंग रही, तीसरी पीएम बनने के बाद, थर्ड पीएम बनने के बाद हिज फर्स्ट मीटिंग टू द काशी विश्वनाथ टेम्पल, दैट्स वाई ये न्यूज में रहा. और उसी के साथ उन्होंने इनोग्रेट किया काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर फर्स्ट फेज, और इसको लिंक किया टू द गंगा रिवर बैंक. इससे हाईलाइट होता है इंडिया का सनातन कल्चर. फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. रिसेंटली द सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी सीसीआरवाई एंड इन कोलैबोरेशन विद सयासा ऑर्गेनाइज्ड ए कॉन्फ्रेंस ऑन योगा फॉर स्पेस एट विच प्लेस. सो रिसेंटली जो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च है योगा में, उन्होंने सयासा के साथ कोलैबोरेशन करके ऑर्गेनाइज करा एक कॉन्फ्रेंस योगा फॉर स्पेस, किस प्लेस पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया? सो द आंसर इज बैंगलोरो. बैंगलोरो में अरेंज किया गया, द सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च ने बैंगलोर में अरेंज करा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. और नेक्स्ट इज, रिसेंटली हु वॉन अ गोल्ड मेडल एट द पावो नुर्मी गेम्स इन फिनलैंड. सो रिसेंटली पावो नुर्मी खेलों में किसने गोल्ड मेडल जीता? सो द आंसर इज नीरज चोपड़ा. अचीवमेंट, अनदर अचीवमेंट फॉर नीरज चोपड़ा. रिसेंटली जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है नीरज चोपड़ा, उन्होंने जीता है गोल्ड मेडल एट द पावो नुर्मी गेम्स 2024 इन फिनलैंड, ठीक है? और इस बार जो इनका रिकॉर्ड था वो था 85.97 मीटर का, ठीक है, इस गेम. फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. विच एयरपोर्ट रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस अ सेल्फ सर्विस बैगेज ड्रॉप सिस्टम. सो इस प्रकार कौन सा जो एयरपोर्ट है वो बन चुका है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सेल्फ सर्विस बैगेज ड्रॉप सिस्टम को स्टार्ट करने वाला, इनिशिएट करने वाला? सो ये स्टेप है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, ठीक है? सो दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है, उन्होंने लॉन्च किया एक सेल्फ सर्विस बैगेज ड्रॉप सिस्टम 17 जून से. फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. व्हाट इज द एम ऑफ द नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम रिसेंटली अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? सो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांस स्कीम को अप्रूव करा, उसका एम क्या है? सो इसका एम है टू स्ट्रेंथन द क्रिमिनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर. सो क्रिमिनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना ही इसका क्या है, एम है. 19 जून को अप्रूव किया गया था यूनियन कैबिनेट ने, चेयर्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो द नेक्स्ट इज,
Which organization recently published a report, Sustainable Development Report? So, Sustainable Development Report, SDN की ये जो रिपोर्ट है, इसे किसने पब्लिश किया? So, SDSN ने किया है, Sustainable Development Solution Network ने 2024 की अपनी इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है. फाइन. और ये जो रिपोर्ट है, ये SDG जो टारगेट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट, उनका विश्लेषण करती है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. What is the rank of India on the Energy Transition Index 2024? So index, another index, in Energy Transition Index 2024. So India की ranking की बात की जा रही है इसमें, और इसे किसने publish किया इस index को? World Economic Forum ने इसको publish किया है, ठीक है? और इंडिया ने इस बार ranking ली है 63rd. So India is ranked 63rd on the Energy Transition Index published by World Economic Forum. Fine. Let's move to the next one. So the next is, what is the main objective of the 5G intelligent village initiative recently seen in the news? So recently ये जो इनिशिएटिव है, 5G इंटेलिजेंट विलेज इनिशिएटिव न्यूज में था, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? रूरल डेवलपमेंट को इनहेंस करना, ऑप्शन नंबर सी, टू अपलिफ्ट रूरल कम्युनिटीज थ्रू 5G टेक्नोलॉजी. ठीक है, 5G टेक्नोलॉजी के थ्रू अपलिफ्ट करना है, डेवलपमेंट करना है रूरल कम्युनिटीज का, और यही इसका ऑब्जेक्टिव है, 5G इंटेलिजेंट विलेज इनिशिएटिव. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज, INS सुनियाना रिसेंटली सीन इन द न्यूज बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ क्लास? सो रिसेंटली जो INS सुनियाना है न्यूज में रहा, किस क्लास से बिलोंग करता है? सो सरयू क्लास से बिलोंग करता है. सो INS सुनियाना एक सरयू क्लास का ऑफशोर पेट्रोल वेसल कोची में जो कमीशन है, और रिसेंटली न्यूज में रहा क्योंकि INS सुनियाना ने रिसेंटली विजिट किया पोर्ट विक्टोरिया. ठीक है, पोर्ट विक्टोरिया को रिसेंटली विजिट किया है सेशल्स में, दैट्स व्हाई ये अभी न्यूज में रहा था. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो नेक्स्ट वन इज, वधावन पोर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट? सो वधावन पोर्ट को किस स्टेट में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा? विच विल बी? सो द आंसर इज महाराष्ट्र. सो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करा है डेवलपमेंट ऑफ दी ग्रीन फील्ड मेजर पोर्ट वधावन पोर्ट, जो कि महाराष्ट्र में डेवलप किया जाएगा. फाइन, लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वन. सो द नेक्स्ट वन इज, स्वामी विवेकानंद निशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऑफ विच स्टेट? सो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है स्वामी विवेकानंद निशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन स्कीम, और किस राज्य की है ये? सो द आंसर इज राज्य झारखंड. ठीक है, झारखंड की सोशल सिक्योरिटी स्कीम है ये. नेक्स्ट वन इज, रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड रुपीज 2869.65 करोड़ डेवलपमेंट प्लान फॉर लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट. इट इज लोकेटेड इन विच सिटी? सो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की जा रही है, कहाँ पर है ये? सो द आंसर इज वाराणसी, वाराणसी में है, और रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करा है 2869 CR का डेवलपमेंट प्लान फॉर लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट. नेक्स्ट वन इज, डेविड जॉनसन हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? सो रिसेंटली डेविड जॉनसन का निधन हो गया है, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है ये? सो द आंसर इज क्रिकेट, क्रिकेट से रिलेटेड है ये. नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज कैप्साइसिन रिसेंटली मेंशन इन द न्यूज? सो कैप्साइसिन जो रिसेंटली न्यूज में था, एक्चुअली ये डिनोट करता है, एक्चुअली ये क्या रिप्रेजेंट करता है? अ नेचुरली अकरिंग बोटानिकल रिटेंट इन चिली पेपर्स, जो मिर्च में नेचुरली रूप से पाया जाने वाला बोटानिकल इरिटेंट रिप्रेजेंट करता है ये वर्ड कैप्साइसिन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकेम द फर्स्ट इन 2024 एंड द 51st ग्लोबली टू एलिमिनेट अ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज द गैम्बियन स्वार्म ऑफ HET ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिप्नोसोमियासिस? टू एलिमिनेट करने वाला, एलिमिनेट करने वाला फर्स्ट ऑफ 2024 का एंड 51st ग्लोबली. सो द कंट्री नेम इज चाड. चैट बिकेम दी फर्स्ट 2024 में डिजीज को एलिमिनेट करने के लिए, एंड ग्लोबली रैंकिंग है इसकी 51st. HET को एलिमिनेट करने वाला 51st नेशन बन चुका है चार्ट. HET जिसे हम बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस इसका अनदर नेम है, ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिपनोसोमियासिस.
Let's move to the next one. Next one is Hooch tragedy recently occurred in which state? So Hooch tragedy की बात की जा रही, recently किस state में हुआ ये? So the answer is तमिलनाडु. तमिलनाडु में एटलीस्ट 34 पीपल की डेथ हो गई हूच ट्रेजेडी से, और 100 ऑफ पीपल हॉस्पिटलाइज हो गए. सो एक्चुअली हूच रिप्रेजेंट करता है नकली शराब. सो नकली शराब के सेवन से, जिसमें टॉक्सिक मेथनॉल होता है, हूच ट्रेजेडी तमिलनाडु में हुई. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द करंट आईयूसीएन स्टेटस ऑफ इबेरियन लिंक्स पार्डिनस रिसेंटली इन न्यूज. सो आईयूसीएन स्टेटस की बात की जा रही है, इबेरियन लिंक्स ये एक टाइप की वाइल्ड कैट है, कैट की स्पीशीज है. सो इसके आयुसीएन स्टेटस की बात की जा रही है. सो रिसेंटली इसको आयुसीएन स्टेटस मिला है वल्नरेबल, ठीक है, वल्नरेबल कैटेगरी में आ गया है. इससे पहले ये वाइल्ड कैट इंडेंजर्ड स्पीशीज में थी, इंडेंजर्ड स्पीशीज में थी, बट पॉपुलेशन ग्रोथ से नाउ ये बन चुकी है वल्नरेबल कंडीशन में. सो रिसेंटली इबेरियन लिंक्स, जो कि वाइल्ड कैट की स्पीशीज है, उसे वल्नरेबल स्टेटस मिला है बाय आयुसीएन. फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो नेक्स्ट वन इज, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024. सो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ये रिलीज करता है अंगटैट. सो रिसेंटली अंगटैट ने रिलीज करी है 2024 की रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट. फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एन इंटेंसिफाइड कैंपेन टू इरेडिकेट मलेरिया फ्रॉम द स्टेट बाय 2027. सो स्टेट गवर्नमेंट का प्लान की बात की जा रही है, किसने लॉन्च करा है? सो ये प्लान लॉन्च करा है उत्तर प्रदेश ने. उत्तर प्रदेश ने लॉन्च करा एक कैंपेन जिससे उत्तर प्रदेश को एलिमिनेट करना है मलेरिया बाय 2027, ठीक है. 27 इसका टारगेट ईयर है उत्तर प्रदेश का. इंटेंसिफाई कैंपेन टू इरेडिकेट मलेरिया. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. रिसेंटली अ ह्यूज इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी हैज बीन डिटेक्टेड ऑन विच प्लैनेट. बहुत ज्यादा अमाउंट में इम्बैलेंस देखा गया है एनर्जी का, किस प्लैनेट पे? सो ये है सटर्न. सो रिसेंटली रिसर्चर्स कहाँ पर, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉस्टन डिस्कवर अ सिग्निफिकेंट सीजनल एनर्जी इम्बैलेंस ऑन सटर्न. और डेटा को यूज किया है कहाँ से, कैसिनी प्रोब से. कैसिनी प्रोब के डेटा को यूज करके ये बताया गया है कि सैटर्न में काफी मात्रा में एनर्जी इम्बैलेंस देखने को मिला. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो द नेक्स्ट वन इज, रिसेंटली द वर्ल्ड बैंक एंड विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज अ 2 डे सिमुलेशन एक्सरसाइज इन मध्य प्रदेश टू इम्प्रूव रेडीनेस फॉर एवियन इन्फ्लुएंजा. सो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक और किस मिनिस्ट्री ने एवियन इन्फ्लुएंजा के लिए तैयारी में सुधार के लिए मध्य प्रदेश में 2 डे सिमुलेशन एक्सरसाइज ये स्टार्ट किया है? सो द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी. सो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड वर्ल्ड बैंक ने कोलाबरेट करके मध्य प्रदेश में 2 डे सिमुलेशन एक्सरसाइज स्टार्ट किया फॉर द इम्प्रूवमेंट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज, रिसेंटली विच स्टेट हैज एस्टेब्लिश द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर एशियन किंग वल्चर्स. सो रिसेंटली किस राज्य ने एशियाई जो किंग वल्चर है, वल्चर गिद्ध को बोलते, उसमें दुनिया के लिए पहला कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर स्टार्ट किया है? सो ये जो इनिशिएटिव है ये किसने किया है? उत्तर प्रदेश का इनिशिएटिव है ये. तो आंसर इज उत्तर प्रदेश. फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम 2024. सो नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड किसने लॉन्च करा है? सो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है ये. फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज, विच स्टेट और यूटी रिसेंटली ऑर्गेनाइज द हेमिस फेस्टिवल 2024. हेमिस फेस्टिवल किसने ऑर्गेनाइज करा? लद्दाख का है ये. नेक्स्ट वन इज, विच वॉट इज गार्नेट रिसेंटली मैंशन इन द न्यूज. सो गार्नेट की बात की जा रही है, रिसेंटली न्यूज में था, एक टाइप का अ डीप रेड मिनरल है ये. क्या है? डीप रेड मिनरल. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. क्लाउड 3.5 सोनेट एंड एआई मॉडल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच कंपनी. सो एआई मॉडल क्लाउड 3.5 सोनेट की बात की जा रही है, डेवलपमेंट इसका किस कंपनी ने किया है? सो इट इज डेवलप्ड बाय एंथ्रोपिक, ठीक है. एंथ्रोपिक ने किया है एआई मॉडल क्लाउड 3.5 सोनेट.
Recently, the National Human Rights Commission issued a notice to which state government on custodial death row. So recently, NHRC ने इशू किया है नोटिस कि स्टेट गवर्नमेंट को ऑन कस्टोडियल डेथ रो, ठीक है, कस्टडी में मौत की सजा के लिए. सो ये किया गया उड़ीसा. सो उड़ीसा के लिए नोटिस जारी करा है NHRC ने. नेक्स्ट वन इज विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट ऑन वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर. सो ये जो रिपोर्ट है, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करी है? सो NSO ने करी है इसको, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने करी है, NSO की रिपोर्ट है. नेक्स्ट वन इज ग्लोबल गैस फिलिंग ट्रैकर रिपोर्ट. सो जो ग्लोबल गैस फिलिंग ट्रैकर रिपोर्ट है इसको रिलीज करा है वर्ल्ड बैंक ने. नेक्स्ट वन इज रिसेंटली द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट टर्माइट माउंट डिस्कवर्ड इन विच कंट्री. सो हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना दीमक का टीला, ठीक है, टर्माइट माउंट, ये कहाँ पे मिला है? सो ये मिला है साउथ अफ्रीका में मिला है. आंसर इज साउथ अफ्रीका. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. रिसेंटली विच मिनिस्ट्री इनॉग्रेटेड द फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम FTITTP. सो किस मिनिस्ट्री ने इनॉग्रेट करा है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम? सो ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, ठीक है. यूनियन होम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट करा है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम, और कहाँ पर? एट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. नेक्स्ट वन इज रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप विथ विच कंट्री टू एनर्जाइज कोलाबरेट विथ विच कंट्री टू एनर्जाइज एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया विथ अमर्जिंग स्किल. सो न्यू स्किल के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर को एनर्जाइज करना है, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने कोलाबरेशन किया है किस कंट्री के साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, ठीक है. ऑस्ट्रेलिया इंडिया क्रिटिकल एग्रीकल्चर स्किल पायलट प्रोजेक्ट की राह पे चलते हुए. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. बाल्टिक सी रिसेंटली सीन इन द न्यूज ड्यू टू द नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस इज लोकेटेड इन विच रीजन? सो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के कारण खबरों में रहा था बाल्टिक सी, और ये कहाँ पर है? नॉर्दर्न यूरोप में है. आंसर इज नॉर्दर्न यूरोप. नेक्स्ट वन इज स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर सैटेलाइट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ विच टू कंट्रीज? सो जॉइंट प्रोजेक्ट है SVOM स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर सैटेलाइट, और ये प्रोजेक्ट है फ्रांस एंड चाइना का है. किसका? फ्रांस एंड चाइना. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट वन इज रिसेंटली इंडिया अनाउंस्ड अ मेडिकल ई वीजा फैसिलिटी फॉर सिटीजन्स ऑफ विच कंट्री? मेडिकल ई वीजा स्टार्ट करा है इंडिया ने, और ये किया है बांग्लादेश के सिटीजन्स के लिए. फाइन. और ये अनाउंस किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, ई मेडिकल वीजा फैसिलिटी फॉर बांग्लादेश नेशनल्स एंड द ओपनिंग ऑफ न्यू कॉन्सुलेट इन रंगपुर बांग्लादेश. ठीक है, एक नए कॉन्सुलेट का भी ओपनिंग हुआ है रंगपुर बांग्लादेश में. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट क्वेश्चन. Recently, where was the 43rd World Medical and Health Games held? So, World Medical and Health Games ये कहाँ पर हुए? फ्रांस में हुए थे इस बार. फ्रांस 16 to 23, 43rd इसका एडिशन था. फाइन. सो इसी के साथ ये सेशन यहाँ पे होता है एंड. 200 क्वेश्चन का जो रिवीजन हमने यहाँ पे किया है वन टाइम का, जून के कंप्लीट करंट अफेयर्स का. और इसी के साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग मंथली वीडियोज तो देखते ही है, आप डेली के करंट अफेयर्स वीडियो भी देखिए, जिसमें हम डिटेल में एनालिस करा रहे हर एक क्वेश्चन का. यहाँ पे मैं केवल वन टाइम करा रही हूँ. कुछ क्वेश्चन में मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन सबके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें टाइम लिमिट भी देखनी होती है, ताकि आपके लिए भी बोरिंग ना हो और हम सारे क्वेश्चन का रिवीजन भी करा सके. सो आपसे रिक्वेस्ट है कि डेली करंट अफेयर्स आप देखिए जीके टुडे के चैनल पर. फाइन. सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, और प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. टेक केयर एंड डू रिवीजन.